लंच के पहले जो हम लोगों ने चर्चा की है, इस पर कुछ फीडबैक आप लोग की तरफ से आ जाए तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रशअप भी हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर सेशन के बाद और बीच में कभी भी हम लोग इस तरह से ही उसको फीडबैक लेते रहेंगे ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे और मुझको भी कुछ पता चलता रहे। जितनी चर्चा हम लोगों ने लंच के पहले की है उसमें से आप तक क्या पहुंचा उसको थोड़ा शेयर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो भी आप बोलेंगे माइक से बोलेंगे। मानव संसाधन नहीं है, इस बात की जानकारी मिली जी। मानव संसाधन नहीं है, इस पे हम लोगों ने कुछ बात की है। उत्सव पूर्वक जीने के लिए शिक्षा है और उत्सव पूर्वक हम तभी जी सकते हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे, समृद्धि आएगी, संबंधों में तृप्ति होगी, और जब ये तीन होगी तब व्यवस्था में भागीदारी होगी। और यदि व्यवस्था में इन तीनों की प्राप्ति के बाद भागीदारी होती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ज्यादा आनंदमयी और उत्साह पूर्वक हो पाएगा। एक बात और भी आई थी कि गरीबी आर्थिक कारण नहीं है, मानसिक स्थिति है जो उसको परिभाषित करती है। और यदि हम उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, गरीबी के कारण को आर्थिक रूप में पहचानते हैं तो लगातार बीपीएल लाइन बढ़ती है। ये इंसेंटिव हम दे रहे हैं योजनाओं के माध्यम से उनको, गरीबी घटने वाली नहीं। सर, यहाँ अभी अपन लोगों ने यह भी देखा था कि व्यवस्थाओं में भागीदारी बहुत व्यापक अर्थ में हम ले रहे हैं, व्यापक और आध्यात्मिक और सामाजिक और जितने भी अपने विकास की बात कर सकें वो सारी की सारी व्यवस्थाओं में भागीदारी के तहत हमने। मैं कितना भी आध्यात्मिक हूँ मेरी व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं है, पता नहीं मैं कितना उपयोगी हूँ कि नहीं। आप कहते हैं मेरे को शिव के दर्शन, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, हमको शिव भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, तुम्हारा व्यवहार खराब है। इसका एक बहुत अच्छा कोटेशन मिले बहुत अच्छे, उसका है कि जो समाज में बुराई है वो बुरे लोगों के कारण नहीं आ रही है अपितु अच्छे लोगों के उदासीन होने के कारण आ रही है। मुझे लगता अच्छे है कि व्यवस्था पर अच्छे लोग अच्छे है नहीं, अभी अपने आप को अच्छा कहते नहीं, यदि मान लीजिए है भी तो चूंकि वो उदासीन हो बिल्कुल ठीक है, शायद व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे हैं इसलिए शायद ये हो। तो व्यवस्था में भागीदारी ही मेरे कहीं खड़े होने का प्रमाण है, बातों से कोई निकलता नहीं कुछ। सर एक हाँ, ये हम जो उत्साहपूर्वक जीने के लिए हम एक बता रहे हैं, ये क्या एक आदर्श स्थिति नहीं है? आदर्श स्थिति है एक और बात, तो क्या आदर्श को पाने के लिए उसमें जो बीच में अवरोध है उनकी चर्चा करना जरूरी? दो बातें कहूंगा आप जी। एक, ये मत सोचिए कि ये अभी प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, पहले केवल इतना सोचिए कि चाहिए कि नहीं चाहिए। हम पहले डरे हुए हैं, पहली आत्मविश्वास खोया हुआ है, हो ही नहीं सकता, अब तो मैं चलूंगा, मेरी जरूरत है, पहली बात जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है, इससे कम में चलेगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो जितना भी बातें आपके सामने रखी जाएंगी सारी इस शैली में रखी जाएंगी, इससे होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, एंड इट इज फॉर एवरीवन। चाहिए कैसे मिलेगा उसको खोजेंगे। देखिए हम अपने इन छह दिनों की चर्चा को लगभग पांच भाग में रखेंगे। एक जितनी बात अभी तक हमने चर्चा की, यदि क्योंकि शिक्षा का यह विशेष संदर्भ है हमारे शिविर में, तो शिक्षा के विशेष संदर्भ के रूप में कि आवश्यकता क्या है, हम चाहते क्या हैं, तो चाहत के रूप में देखा कि एक चाहत के रूप में एक आदमी के जीने के स्वरूप के रूप में क्या स्थितियां हो सकती हैं, इसको हमने देखा। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे क्या हो रहा है। तीसरी बात में देखेंगे क्यों हो रहा है। चौथी जगह देखेंगे कैसे ठीक हो सकता है या जो
चाहते हैं वो कैसे साकार हो सकता है। और पांचवें कलम में मेरी भूमिका क्या है, इतनी हमारी कुल यात्रा। मैं चाहता क्या हूं है ना, ये हम चाहते क्या है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा, मेरी भूमिका क्या होगी, मेरी भूमिका क्या होगी। तो एक बिंदु पर हमने बहुत शॉर्ट में चर्चा करने की कोशिश की है, केवल ध्यान आकर्षण किया है, विस्तार से जैसे जैसे आगे चलेंगे और हम बात करेंगे क्या हो रहा है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। यदि पूरी पृथ्वी को हम देखें, पूरी धरती को हम देखें और सारी इकाइयों को देखें, तो हम उनको चार भाग में देख सकते हैं। एक हम कहें कि धरती के चार अवस्थाएं, धरती पर चार अवस्थाएं हैं। चार अवस्थाओं में एक अवस्था पदार्थ, दूसरा प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। बोर्ड सबके लिए विजिबल है, पीछे लेटर साइज छोटा है, ठीक है। पदार्थ में क्या आएगा, पदार्थ में क्या क्या आएगा, पूरी बनावट वस्तुएं, पदार्थ, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, इसको बोलेंगे पदार्थ। प्राण बोलेंगे पेड़ पौधे ब्रॉडली, जीव मीन्स पशु पक्षी और ज्ञान मीन्स मनुष्य मानव। इनके आपसी संबंध को देखें, मैं एक फिगर बना रहा हूं, इसमें ये चित्र क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये डायग्राम आप तक क्या मैसेज दे रहा है, सब इंटरलेटेड है, पूरा एक्सचेंजेस हो रहे हैं। एक प्रकृति में जितनी इकाइयां हैं सभी इंटररिलेटेड है, बढ़िया। और संतुलन के लिए आवश्यक है सबका सामंजस्य, परस्पर संतुलन के लिए सामंजस्य आवश्यक है क्योंकि प्रभावित करते हैं। गुड, बढ़िया, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, बहुत बढ़िया। और हाँ, कहीं पर मानव के बाकी चीजों से जो संबंध है अवस्थाओं से, उनको एक बार जांचना पड़ेगा कि किस तरह के हैं। हाँ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाए हुए हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा व्यवहार उन बाकी चीजों से वैसा नहीं है जैसा प्रकृति ने बनाया है या अपेक्षित है। बढ़िया, हाँ जी। और पेड़ पौधे मानव के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या मानव पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इनका क्वेश्चन सब तक पहुंच रहा है, आदमी के जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यक है, पेड़ पौधों की आवश्यकता है, लेकिन क्या पेड़ पौधों के लिए आदमी का होना आवश्यक, और नहीं है तो फिर ये क्यों है धरती पे, ऐसा तो नहीं कह रही नहीं रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित हो
ये नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ऐसा चावड़े जी का कहना है। इसमें तो इसके लिए योजना बनाई जाए। इसमें जो चार घटक दिखाए गए हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटक वो है ज्ञान और मनुष्य मानव। हाँ देखिये, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ज्ञान अवस्था है, जिसमें कि मानव गण्य है, जिसमें कि मानव आता है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और ये जो मानव है ये दोनों ही बातों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा समायोजन ये कर सकता है, संतुलन कर सकता है, या उतना ही जो है ये इसको विध्वंस कर सकता है, जैसा हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। बहुत बड़ी, तो मुझे लगता है इसको योगेश जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इनके होने का एक पर्पज है। ये तीनों इसके होने से और सुंदर हो सकती हैं, और ये तीनों चारों सहित विध्वंस हो सकता है। ये दोनों ही ताकत मानव के पास है, ऐसे कहा। संक्षेप में इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। हाँ, जड़ और प्रकृति, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, जी इसको हम दो भागों में बांट के कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला? मानव इन तीनों के बिना पूरा है। हाँ, अधूरा बोलो ना फिर, अधूरा। हाँ, तुम आगे आ जाओ, साथ में आके माइक ले सकते हैं। हाँ जी, सभी चीजें एक दूसरे के लिए आवश्यक है। हाँ, तो इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? प्रकृति हमें संतुलन और अनुशासन से रहना सिखाती है। वो सिखाई होती तो हम सीख गए होते, वो तो नहीं सिखा पा रही है। वो सिखा पाई होती तो इस शिविर की आवश्यकता नहीं होती। मानव का समृद्ध होना सबसे ज्यादा। अच्छा, क्या समृद्ध बने, क्या यदि मानव शिक्षित हो जाए? शिक्षित हो जाए जी? आप शिक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मनुष्य की चेतना ही सर्वोपरि है। हाँ जी, मनुष्य की चेतना ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि का प्रमाण तो नहीं मिल रहा है, इससे ऐसी हमारी स्वीकृति है, पर ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। प्रमुख चीज ये आ रही है कि एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाएगा, संवेदनशील अगर हम हो जाएंगे तो अंतर आ जाएगा। तो मुख्य समस्या, यदि निष्कर्ष के रूप में कहें इस डायग्राम से संबंधित सारी बातों में, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं की हर इकाई अपने निश्चित आचरण के साथ है। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने निश्चित आचरण के साथ हैं। मानव भी निश्चित आचरण की अपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है। दूसरों से हम क्या अपेक्षा करते हैं, उनका आचरण हमारे साथ में निश्चित हो अनिश्चित हो? हमारा आचरण दूसरों के साथ में निश्चित हो अनिश्चित हो? निश्चित हो। अपेक्षा के रूप में मानव भी निश्चित आचरण के साथ ही जीना चाहता है। तो ऊपर के घेरे में देखें, तीन प्रश्न चिन्ह हैं, इसकी और चर्चा करें। मानव कहीं भी धरती पे होगा तो किसी परिवार का हिस्सा ही होगा। जब भी मानव संतान परिवार से बाहर होती है तो हम क्या बोलते हैं, नाजायज है। एक्नॉलेजमेंट। आप शायद बाद में आए हैं, शिविर के दौरान मोबाइल ऑफ रखेंगे, ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है। परिवार किसी समाज के रूप में ही है। कोई भी समाज है तो वो व्यवस्थित रूप में चले, ठीक से चले, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनको मैं मान नाम लिख रहा हूं, मानव कृत व्यवस्था। जैसे फिर से बोलता हूं,
कहीं भी मानव होगा तो किसी परिवार में ही पैदा होता है, परिवार होगा तो किसी समाज के रूप में हम जीने की कोशिश करते हैं, और वो समाज व्यवस्थित रूप से चले इसके लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। जैसे देश है, पहनना खाना ओढ़ना पढ़ना लिखना, जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराएं, है ना, ऐसी हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, ऐसी बहुत सारी मूल्य बहुत सारी हमने, ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले। ऊपर मानव का प्रकृति के साथ में, जड़ प्रकृति के साथ में रिश्ते में देखे कितने प्रश्न चिन्ह है, 3। नीचे कितने प्रश्न चिन्ह होंगे, 3। सभी अवस्थाओं में प्रश्न चिन्ह है, शिवरे जी कह रहे हैं सभी अवस्थाओं में प्रश्न चिन्ह है। कैसे, एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है कि उसके परिवार वाले उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, जनरेशन गैप है, और परिवार को क्या लगता है, बच्चे हाथ से निकल गए, मेरा माइक मेरे साथ है, आपका माइक आपके साथ रहे, ठीक। उसी तरह से एक परिवार और समाज के बीच के रिश्ते को देखें कैसा है, समाज के अध्यक्ष से पूछें बोले सब लोग गड़बड़ हैं, परिवारों से पूछें बोले अध्यक्ष गड़बड़ है, किसी भी कॉलेज के युवा से जो कॉलेज से निकला है उससे पूछें कि समाज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या बोलेगा, मिला ही क्या है, दिया ही क्या है, क्यों सोचूं इसके लिए, वगैरह वगैरह। और समाज से पूछें तो सब गैर जिम्मेदार है, युवा पीढ़ी भटक रही है, मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है, इस पे एक सेमिनार होना चाहिए। और समाज और व्यवस्था के बीच की बात करें, संतुष्ट नहीं, समाज की अपेक्षाएं बहुत है, अच्छा बहुत है या सही है वो पूरी होनी चाहिए, बहुत कुछ होता नहीं है, जिसमें मैं तृप्त होता हूं वो अपेक्षाएं करता हूं, नहीं पूरी हो पा रही है लगता है ये ज्यादा है। और यदि व्यवस्था से पूछें क्या प्रॉब्लम है, समाज गड़बड़ है। इसी तरह से जहां मानव की बात आई है तो बोर्ड कलरफुल हो गया, ये हम क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम क्या चाहते थे उसकी कुछ हल्की सी बात हमने की, बहुत मोटे शब्दों में की, और अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सब एक दूसरे को जिम्मेदार करा रहे, समस्या मानव के सोच में है। तो एक तो ये समझ में आया कि प्रकृति में जितनी समस्याएं हैं, उमेश जी काफी उत्सवित हो रहे, ठीक बात, बहुत पिन पॉइंटेडली प्रिसाइजली रूट पकड़ में आ जाए तो भी हमको लगता है कि आधा काम तो हो गया। अभी सारी योजनाओं में वाटरशेड मैनेजमेंट, यो मैनेजमेंट, त्यो मैनेजमेंट, सारा पैसा कहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम है उसके लिए उसके ऊपर कोई काम नहीं है, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक परिवार फेल होता है तो आपसी संबंधों के कारण या पैसे की कमी के कारण,
बढ़िया। एक संस्था फेल होती है पैसे की कमी के कारण या आपसी तालमेल की कमी के कारण? एक डिपार्टमेंट फेल होता है साधनों की कमी के कारण या आपसी तालमेल और योग्यता में कमी के कारण? किसी प्रोजेक्ट में एक कंपनी फेल होती है साधनों की कमी के कारण या आपसी तालमेल के कारण? अधिकांश आप पाएंगे कि मैक्सिमम पार्टनरशिप 3 साल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आपसी तालमेल में गड़बड़ी है। तो किसी प्रोजेक्ट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आदमी है कि साधन है? आदमी। जैसे यही इतने लोग बैठे हैं, सबको 10 लाख रुपए दिया जाए और साल भर बाद सबसे मिला जाए, क्या हो सकता है? हाँ, कोई पता चले घर की भी संपत्ति उसमें लुटा लिया। चावड़े जी कुछ कह रहे थे, साल भर अच्छा मिलेगा। काश ऐसा हो पाता। कितने कितने 10 लाख आगे चले गए, कितनों के 1 साल में आगे चले गए? मेरे साथ के जितने पढ़े हुए लोग हैं वो मैक्सिमम या तो अमेरिका में है या उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेसमैन और बाकी कुछ हो गए। उन्होंने जितनी कल्पना नहीं की थी उससे बहुत अधिक पैसा उन सबने कमाया है, अधिकांश ने, अधिकांश ने, है ना? हालत में जानता हूं। तो काश ऐसा होता कि 10 लाख में जिंदगी बेहतर हो जाती, बहुत, है ना? 10 लाख अब बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, एक जमाना था जब बड़ी बात थी। तो एक बात समझ में आती है कि पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं है, जिसके हाथ में है उससे उसकी कीमत है। पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं है, किसके हाथ में है उससे कीमत है। किसी भी प्रोजेक्ट में आदमी कंसर्न का मुद्दा नहीं है, इस प्रोजेक्ट में जो लोग लगे हैं उनके बीच में तालमेल कैसे सुनिश्चित होगा, इसके लिए क्या योजना है, इसके लिए क्या कार्यक्रम है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हाँ, फंड चाहिए, कितना भी ले लो, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि धरती पे जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे प्राकृतिक हैं, है ना, जैसे हमने बात किया स्वास्थ्य के लिए, आदमी का सारा स्वास्थ्य खराब होने के पीछे कितने कारण हैं? 4। एंटीबायोटिक, पॉल्यूशन और मिलावट और मिलावट पॉल्यूशन एंटीबायोटिक ये सब आप बीच की बात करते हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो सब उसी में आ गया। तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिलावट पॉल्यूशन एंटीबायोटिक ये हमारे रोग का कारण है। बाकी और जो और गलतियां हैं, विचारों में कोई गलती है उसके कारण कुछ होता है, वो एक अलग बात है। पर जिसको हम फिजिकल लेवल पे बात करें, बहुत बिल्कुल शुद्ध फिजिकल लेवल पे बात करें, तो एंटीबायोटिक पॉल्यूशन मिलावट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये हमारे स्वास्थ्य खराब करने के लिए बेसिक रीजंस हैं। क्या इनके ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं? इनकी कोई चर्चा नहीं है। अब स्वास्थ्य ठीक होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो। तो बेसिक जो रूट्स हैं उन पे यदि हम उनको नहीं लोकेट कर पाएंगे तो हम काम कहीं और कर रहे हैं, सारी जिंदगी मेहनत कहीं और कर रहे हैं और रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे, रिजल्ट आने वाला नहीं। तो एक बात समझ में आई कि सारी समस्याओं का मूल कारण आदमी और आदमी में समस्याओं का मूल कारण एटीट्यूड, दृष्टिकोण, हमारी प्रवृत्ति। तो अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे, और ये दृष्टिकोण कहां से आता है? दृष्टिकोण कहां से आता है? परिवार में, समाज में, कहां से आता है? मानव में, कहा? शिक्षा से, शिक्षा से। तो दृष्टिकोण शिक्षा से आता है। हम अभी तक ये सोचते थे
कि शिक्षित आदमी समझदार होता है या हर माँ बाप पूरी ताकत अपने बच्चों पे इसलिए झोंकता है कि उसको लगता है कि शिक्षा से उसके बच्चे समझदार हो जाएंगे? बढ़िया, क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी बहुत शिक्षित हो और समझदार ना हो? हो सकता है। एग्जाम्पल, हाँ आईएएस पे ध्यान जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा चांगे जी कह रहे हैं कि समझदारी को खोलना पड़ेगा कि आखिर हमारा समझदारी से मतलब क्या है, किसको समझदार कहें, किसको समझदार कहें? जो सबसे अच्छा सामंजस्य कर सके, जो सबसे अच्छा सामंजस्य कर सके, है ना, जो इन प्रश्नों से मुक्त हो, जो हर जगह में एक प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन के साथ हो, हार्मनी के साथ हो, तालमेल के साथ हो, संगीत मेहता के साथ, है जी, सारी संवेदनशीलता उसी में है ना। अभी जिसको आप संवेदनशीलता कहते हैं वो सब उसी में है, तालमेल हो गया तो उसी में कहीं है। तो हम भाषा के रूप में कहें, मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न मानव, जांचिए, मानना नहीं है। आईक्यू लेवल का बैलेंस अभी जो आपके सामने आ रहा है इसको जांचिए, फिर आप में उसमें आपका आईक्यू और उसमें बाकी चीजें हैं कि नहीं है उसको देख लीजिए। मैं जो भी आपके सामने लिखूंगा कहूंगा उससे ज्यादा होता नहीं, उससे कम में चलता नहीं। अभी आपको जांचना है कि ऐसा है कि नहीं है, और जो आप प्रश्न उठा रहे हैं वो उसमें समाहित है कि नहीं है। हाँ जी, मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न मानव, क्या इससे कम में समझदारी होगी? हाँ, ये बात ठीक है। तो यह तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न मानव है। तालमेल का अर्थ समझौता नहीं है। समझौते का क्या मतलब होता है? समझौता और तालमेल में क्या फर्क है? माइक आपके पास है। समझौता कंडीशनल रहता है, कोई कंडीशन जुड़ी रहती है। हाँ जी सर, जो बोल रहे मैं भी बोलना चाह रही थी, समझौते। हाँ जी, इससे भिन्न कोई बोलना चाह रहे हैं? समझौते का मतलब है ज्यादा दुख पाने की बजाय कम दुख पाने के समीकरण को स्वीकार लेना। नहीं करूंगा तो और बड़ा होने वाला है, इसलिए छोटा स्वीकार। वो भी स्वीकार नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है। तो ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुखी होने के समीकरण को स्वीकार लेना बराबर समझौता। तालमेल बिल्कुल भिन्न बात है। तालमेल का मतलब है कि वो मेरे भीतर अधिकतम स्वीकृति है, वो मेरा विलिंग एक्सेप्टेंस है, वो मेरी खुशी है, मैं यही चाहता हूं। हाँ जी, क्या इससे अधिक समझदारी कुछ हो सकती है? क्या इससे कम में काम चलेगा? तालमेल का मतलब है क्वेश्चन मार्क नहीं रहे, ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? इससे अधिक समझदारी हो नहीं सकती, इससे कम में काम चलता नहीं है। जब कोई बात पूरी होती है तो ना इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। 2+2 4 होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो।
जब कोई बात अपने आप में पूरी होती है तो पूरा ही होता है। पूरे का मतलब है कि उसमें से कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है, उसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता है। ये एक अपने आप में अभूतपूर्व बात है कि आदमी का, मानव का ऑब्जेक्टिवली अध्ययन हो सकता है। अभी तक मानव हमारे लिए सब्जेक्टिव चीज है, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहां हम हर जगह निश्चितता के साथ कहेंगे जांचना आपको है ना। क्या जांचना है? जांचना है कि ये बात मानव जाति में समानता का आधार है कि नहीं, ये बात मानव जाति में धर्म निरपेक्षता का, धर्म का सार्वभौम स्वरूप को प्रस्तुत करता है कि नहीं, है ना। बाकी तो अपने साथ है। हाँ जी, इस डेफिनेशन में अपने आप को रखें। कहां पाते हैं अपने आप को? है ना, आईएम के बाद भी मरीज तो आज भी तालमेल नहीं बैठा रहा। तालमेल नहीं बैठा रहा, समझौता किसी तरह से बैठ जाए। तालमेल तो तालमेल तो असंभव है ऐसा लगता है, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी तरह से एडजस्टमेंट वो तो अभी देखेंगे, पर ऐसा लगता है कि हो नहीं सकता है। काम किसी तरह से हम मैनेज करना है, मैनेजमेंट। ये तो अभी तक तालमेल की बात हम अभी कह रहे हैं, अभी तक तो ऐसा लगता था जैसे शुरू से हम देख रहे हैं कि जो चारों अवस्थाएं हैं उसमें जो सबसे ज्यादा साधन संपन्न है, मजबूत है। हाँ। और मजबूत होने के कारण वो बाकी तीन जो अवस्थाएं हैं उनका अपने ढंग से वो उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो ये तालमेल तो था ही नहीं अभी तक, है नहीं कहना चाहिए, है नहीं। तालमेल की बात तो अब हमें सीखनी पड़ेगी। अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो शोषण कर रहे थे, बलपूर्वक कर रहे थे। एक बिंदु आता है समर्पण, तालमेल की स्थिति समर्पण भाव जब रहेगा तब आएगी। जैसे आपने फर्स्ट सेशन में कहा था कि पत्नी की बात हम स्वीकार क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति समर्पित है और उस तरह से उसने हमको जो है पूरी तरह से ये कर लिया है समर्पण के दम पे। तो हम अगर प्रकृति के प्रति समर्पित रहेंगे तो तालमेल की स्थिति अपने आप आएंगी। वो समर्पण कैसे आए उसको हमको समझना है ना, क्योंकि आईआईटी के बाद, आईएम के बाद, ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये हमारे बीच में बड़े नाम है। इन सब के बाद, सारी एजुकेशन के बाद, सबके बाद हमारी क्या स्थिति है? तो मैं कह रहा था कि ये समझदारी के डेफिनेशन की बात हो गई। क्या शिक्षित एक व्यक्ति हो और समझदार ना हो, ये संभव है? उदाहरण हम लोग ये व्यक्ति, आप चावड़े जी की तरफ हाथ में हिला रहे नहीं, हम लोग अभी तक जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षित है, वही लोग जो सही आचरण, जो प्रकृति के अनुकूल आचरण नहीं करते। ये सबसे बड़ा उदाहरण तो शिक्षा। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के इस बात को स्वीकार करूंगा कि जो आदमी जितना ज्यादा शिक्षित है आज के संदर्भ में, वो उतना ही ज्यादा धूर्त है। बिल्कुल ठीक बात, हमको स्वीकारना चाहिए इस बात, स्वीकारना चाहिए। आज इस सभा में दिल खोल के अपने बारे में बोलें, है ना, दिल खोल के इस सभा में अपने बारे में बोलें। सभा के बीच में बोलने की एक महिमा है, जो बोल दिया वो कांटा आपके अंदर से निकल गया। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, सभा में जो शेयर कर दिया वो कांटा आपका निकल गया। तो एक बार अपने भीतर का आदमी कहीं मर गया है, दफन हो गया है, इस बाहरी दबाव में कहीं ना कहीं हमने अपने भीतर के आदमी को दबाया है, अपने हाथ से गड्ढा कोड़ के उस पर मट्टी डाली है, उसको अनरैप किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए। दूसरा, एक आदमी शिक्षित नहीं हो और समझदार हो, क्या यह संभव है? उदाहरण, है ये इसका एक सटीक उदाहरण दूंगा। हाँ। कि हमारे यहाँ गांव के लोग, शिक्षा का विस्तार तो अभी हुआ है, अभी कुछ 10-20 साल से, बिल्कुल इसके पहले तो शिक्षा का विस्तार हुआ नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी हमारे गांव के लोगों में परंपरा के रूप में कहिए या कस्टम के रूप में कहिए, बहुत सारे ऐसे तथ्य समाज में प्रचलित थे जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ठीक बात, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग पिछले 5-4 साल लगभग इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ में इंटेंसिवली काम किए हैं। NIT रायपुर का MOU साइन है, जिसमें कि उसकी हर ब्रांच को 7 दिन के लिए यहाँ पे आना है
और 7 दिन जैसे आप लोग रहेंगे वैसे 7 दिन बॉयज एंड गर्ल्स आके यहीं पे रहना है, सारी बात करनी है। इस पॉइंट पे अधिकांश लड़के कॉलेज के शेयर करते हैं कि हमारे बुजुर्गों का जीना हमसे बेहतर था, हमारे दादा दादी का या हमारे परिवार, ऐसा बहुत लोग शेयर करते हैं। तो चाहे वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारे धार्मिक परंपराओं के कारण, हमारी जो भी मान्यता रही उनके कारण, वो स्कूली एजुकेशन के कारण नहीं था, पर हम ये भी नहीं कहते कि वो 100% समझदार थे, क्योंकि ये समस्याएं तो पहले से रही हैं, लेकिन कुछ बेहतर, अभी से कुछ बेहतर हमको दिखाई देते हैं। एक तीसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। किसका नहीं, अब तो काफी कम हो आप है। अभी तो साक्षरता प्रतिशत हमारा, साक्षरता वाले बता देंगे कितना है, 64.7% है, तो काफी कम हो गया। अभी तो इसका प्रतिशत ज्यादा है। हाँ जी, शिक्षित बिना है समझदार बिना, उदाहरण पूर्ण स्वच्छता अभियान में टॉयलेट ही बनाना है, शिक्षित भी नहीं समझदार भी नहीं, लाख बार प्रयास कर रहे हैं तो भी मान नहीं जाना। ये भी है सर, इसी को मैं इसी बात को एक कदम आगे बढ़ाता हूँ कि शिक्षित भी ना हो और समझदार भी ना हो। ये बहुत सारे लोग आज भी, अब तो बहुत सारे शिक्षित हो गए, 10-20 साल पहले की बात है, कि जो स्वास्थ्य के संदर्भ में मैं कहूंगा कि जो लोग जो पहले बीमारियां जो आती थी लोग उसको समझ नहीं पाते थे, अपने ढंग से ट्रीट कर लेते थे और उसका पूरा नुकसान उसके परिवार को, गांव को, समाज को उठाना पड़ता था। आज भी ऐसा ही है, आज उन बीमारियों का फायदा डॉक्टर उठाते हैं, वो शिक्षित होने के कारण उठाते हैं वो शिक्षित होने के कारण उठाते हैं, क्योंकि केवल शिक्षित है। हम क्या चाहते हैं, क्या गड़बड़ हो गई? देखिए एक-एक पॉइंट पकड़ते जाइए। आप लोगों से ये उम्मीद है कि यदि आपको पूरी बात ठीक से, आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी के लिए उपयोगी है नंबर एक, मेरे परिवार के लिए उपयोगी है नंबर दो, मेरे बच्चों के लिए उपयोगी है नंबर तीन, तो ये इस राज्य के सभी बच्चों और परिवारों के लिए उपयोगी है। ठीक, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आप लोगों में से कितने लोग इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं, समझ के इसको डिलीवर कर सकते हैं। हमारी बहुत सीमाएं हैं, है ना, हमारे पास बिल्कुल संभव नहीं है कि राज्य के सारे शिक्षकों के लिए और सबके लिए हम कोई काम कर सकते। एक कंटेंट उपलब्ध है, एक बात उपलब्ध है, यदि हमको लगता है कि बिल्कुल प्रैक्टिसेबल है और ये हमारी जरूरत है, तो इसको पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने का मैकेनिज्म क्या होगा ये आपको तय करना होगा। पहली बात यह है कि मेरी अपनी जिंदगी के लिए उपयोगी है कि नहीं, पहला काम यह है, आज और अभी इन्हीं 7 दिन में तय होना है। यदि मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो किसी के लिए उपयोगी नहीं है ना। तो बहुत सारी बेगारी जाने अनजाने किसी रूप में हो ही रही है, तो एक और बेगारी यहां से मिले ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्या हो गया, क्या स्थिति हो गई, क्या गलतफहमी हो गई, फिर इतना झंझट क्यों हो गया? शिक्षित व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है, जबकि उसकी समझदारी का कोई प्रमाण नीचे से ऊपर तक नहीं दिखता है, है ना। पूरी धरती पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन मानव में, कौन शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित में कौन प्रोफेशनली क्वालिफाइड तथा कथित, पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की जगह में तो शुद्ध रूप से प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी जिम्मेदार है, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और उनसे भी ज्यादा। है ना, आप ही लोग इंजीनियर डॉक्टर बनाते हो जी तो क्या गलती हो गया? यदि शिक्षित और अशिक्षित को देखें, फिर ये जो हम दे रहे थे ये क्या था,
ये जो हमने दिया शिक्षा के नाम पे, फिर ये क्या था? समझ नहीं थी तो क्या था? उसमें हम कोई हुनर दे पा रहे हैं ठोस तरीके से? ऐसा भी नहीं है, ना समझ दिए ना हुनर दिया। ब्रॉडली एक शिक्षित आदमी एक अशिक्षित आदमी दोनों ही समझ के रूप में लगभग है ना, लगभग लगभग। ये आपको अच्छा ना लगता हो तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, प्रश्न चिन्ह के घेरे में तो है ही है। हुनर अभी हम क्या मानते हैं, शहर के आदमी के पास हुनर ज्यादा है या अशिक्षित आदमी जिसको गांव का बोल रहे हैं उसके पास ज्यादा है? ना हुनर में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि शिक्षित शिक्षित आदमी के अपने हुनर है। क्या हुनर है? उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, थोड़ी संसार की सूचनाएं हैं, है ना। अशिक्षित के पास अपने बहुत सारे हुनर हैं, अपने गांव में पशुपालन से लेके कृषि से लेके घर की परंपराओं से लेके जड़ी बूटियों से इलाज करने से लेके, है ना। एक सामान्य सर्वे किया गया कि शिक्षित महिलाओं के पास में कितने हुनर हैं और अशिक्षित महिलाओं के पास में या गांव की महिलाओं के पास में कितने हुनर हैं, ये सिद्ध करके एक संस्था है, हमारे कुछ मित्र हैं, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज मसूरी उत्तरांचल। संयोग बन रहा है कि वो इस शिविर में मौजूद रहेंगे 18 की शाम को। शिक्षा पे उन्होंने बड़ा काम किया है, IIT दिल्ली के पास आउट हैं और पिछले 15 सालों से शिक्षा पे कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके यहाँ कुछ इस तरह के रिसर्च वर्क वो लोग करते हैं। तो जब शिक्षित महिलाओं ने लिस्ट बनाने शुरू की अपने स्किल्स को, तो लिस्ट कितने तक पहुंची होगी? 15। और जब गांव की महिलाओं ने अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाई वो पहुंची 65। दरी बुनना आता है, ये है वो है, बहुत सारे अनेक प्रकार की चीजें हैं जो कि अभी हमको केवल पढ़ना आता है, लिखना आता है और शायद कुछ आता है कि नहीं आता है, ढूंढना पड़ेगा। तो हुनर दोनों के पास है, मैं ये कहता हूं, अपने अपने तरीके के हैं। कम से कम अशिक्षित गांव के वालों के हुनर किसी डायरेक्टली किसी उत्पादन गतिविधि में लग जाता है, इसका हुनर डायरेक्टली कोई उत्पादन गतिविधि में लगना मुश्किल जाता है। और यदि आगे चर्चा करें, यदि जीवन में श्रम देखें, इसका सोचना पड़ेगा क्या करता है, कागज काला पीला कर करके है? हाँ, मानसिक श्रम है। हाँ, करता भी और कराता भी। लेकिन फिर क्या कारण हुआ कि अशिक्षित आदमी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया, शिक्षित आदमी अहंकार में चला गया? इसको देखते हैं तो कहीं टिका कहीं तो टिक नहीं रहा बेचारा शिक्षित। क्वेश्चन क्लियर है? शिक्षित आदमी ने अपने आप को बड़ा मान लिया, अशिक्षित ने अपने आप को छोटा मान लिया। समाज ने एक निश्चित मापदंड निर्धारित किए समझदारी के, और इसके उसके हिसाब से शिक्षित अपने आप को ऊपर लेवल पे मान रहा है और अशिक्षित व्यक्ति को वही शिक्षित समाज नीचे लेवल पे मान रहा है। एक डोमिनेटिंग कंडीशन में है इकोनॉमिक्स। क्या मापदंड? भौतिक मापदंड, प्रमुख रूप से भौतिक मापदंड। वही है, एक नहीं है। देखिए आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप तक ठोस तरीके से कोई बात पहुंचे। ये सौभाग्य है कि आप ऐसी जॉब में हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जॉब में जब कोई होता है तो उसको जॉब से रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जॉब का पर्पस आदमी के अनुकूल नहीं है। कंप्यूटर रिपेयर करना है, वहां मानव संसाधन है। हम उस जगह में थे जहां मानव संसाधन ही है और उसकी सोच को बदल पाना हमारे बूते से बाहर था।
इसलिए हमको सिस्टम को क्विट करना पड़ा और अपने लिए नया संसार बसाना पड़ा। आपको सिस्टम को क्विट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं अपने लिए संसार बसा सकते हैं और हम उस स्थिति में आ जाएं कि हम रिटायर नहीं होंगे, है ना। तो मैं आपसे जब बात करता हूं तो आपसे आज इस जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, एक और बहुत सार्थक धरातल उपलब्ध है, लेकिन उससे पहले आप एक शानदार मानव हैं और असीम संभावनाओं के साथ हैं। यदि बात ठोस तरीके से सोचने समझने वाले लोग आप लोग हैं, ठीक से कहीं ना कहीं हम सबको लगता तो है कि कहीं गैप्स हैं, ऐसा हमें से कोई भी नहीं है जिसको लग रहा है कोई नई बात सामने आ रही है, लेकिन क्या विकल्प हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और क्लियरली उंगली रख के पहचान सकूं कि हाँ ये गलती है। मूल्यांकन जरूरी है, हम सब लोग महसूस तो करते हैं, है ना, तो गलती को पकड़ पाना उतनी बड़ी बात है किसी हद तक, लेकिन अब सॉल्यूशन भी हमारे पास है तो हमारे चलने के लिए रास्ता बनता है। तो एक बात समझ में आई कि धन कमाने में जो ज्यादा सफल हो गया, सुविधा के लिए मामले में ज्यादा सफल हो गया, उसको हमने इज्जत दिया और बाकी को हमने, एक आदमी अनपढ़ है लेकिन पैसा कमाने में सफल हो गया, अब कोई कमी नहीं है, उसको नकार दिया। बढ़िया, क्या कारण है कि शिक्षित आदमी ज्यादा पैसा कमा पाता है, अशिक्षित या जो श्रम करता है वो कम पैसा कमा पाता है? ज्ञान का सही उपयोग करता है, हाय हाय, ये सही उपयोग करता तो ये हाल होते, जो कमा रहा है उसके तो कहने का बराबर इफेक्ट होता है। शिक्षित जो है वो इनकी अशिक्षा के कारण इनका शोषण करता है, बस, और उस शोषण के परिणाम स्वरूप गरीबी आती और किसी की अमीरी आती है। खैर, इनके बावजूद भी बहुत पॉजिटिव संदर्भ भी हैं। देखिए, जब हम शिविर में चर्चा कर रहे हैं तो हम उन सारी पॉजिटिव्स का सम्मान करते हुए, जो कि पॉजिटिव है, जो कमी है उसको अपन हाईलाइट करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगे कि केवल अपन बुराइयां ही बुराइयां देख रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम केवल बुराइयों पे ही बात कर रहे हैं, जो अच्छाइयां हैं उनका स्वागत करते हुए, भी आज कम्युनिकेशन सबको उपलब्ध हो गया, बहुत अच्छी बात है, है ना। तो कैसे आप कुछ कह रहे हैं? मुझे लगता है कि जो शिक्षित धन कमा पा रहा है, शायद हमने शिक्षा को केवल धन के संदर्भ में ही देखा है, और लगातार मॉनिटरिंग हम, जैसे अभी जैसे आप लोग बी वाले बच्चों का कर रहे हैं, हम लोग के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो सबका ध्यान जो है वो वैल्यूज की तरफ तो बिल्कुल नहीं है, केवल हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना परसेंट ला रहा है या वो किस जो है किस तरीके से किस ब्रांच में आएगा, कहाँ पैसा कमा पाएगा, पैकेज, हाँ, उसे पैकेज की तरफ। तो जब हम उसको, हमारे जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका हम आउटपुट वो देख रहे हैं कि पैकेज उसको कितना बढ़िया मिलेगा, तो बेशक वो पैसा कमाएगा, और अंत में यही हो रहा है कि ना तो उसमें समझदारी आ रही है ना कोई वैल्यूज आ रही है, और अपने मिशन में कामयाब होगा, जो हमारा लक्ष्य धन है। तो इसलिए शिक्षा, जो शिक्षित लोग हैं वो धन कमा पा रहे हैं, बाकी तो मुझे और कहीं कुछ पता नहीं। और हमने पूरा ढांचा ऐसा बनाया है कि मजदूर का या किसान का शोषण कैसे किया जा सके, ठीक है, तो वो क्योंकि उसी का शोषण हो सकता है, बाकी का शोषण होगा नहीं, वो तो पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे के साथ में एक प्लस पॉइंट हो गया कि उसका शोषण नहीं किया जा सकता या उसका शोषण उतने आराम से नहीं। सर, इसमें शिक्षित और शिक्षित दोनों ही अपने मेहनत से तो कमाई कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग जो है कि नंबर एक नंबर दो दोनों प्रकार का कमा रहा है। हाँ, ये उस वाले उसको नंबर दो की सुविधा नहीं है। ये बात ठीक, वैसे भी और वैसे भी, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र आईटी में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सबकी सैलरी वो 1 लाख के ऊपर, बोलते हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसका हमको 1 लाख मिलना चाहिए। आपका प्रोडक्ट किसके लिए बिकता है तो उस पर बहुत सारा कुछ निर्भर कर रहे हैं। तो जिस तरह के हमने ढांचे, जो व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, ये जो मानवकृत व्यवस्था है, ये आदमी के श्रम का सम्मान और उसके श्रम का सही मूल्य उसको दे सके, ये व्यवस्था उसको सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी का श्रम एक जैसे कम से सबसे कम पैसे पाने वाला और सबसे अधिक पैसा पाने वाले में भारत में 75 लाख गुना का फर्क है। एक आदमी के 1 घंटे का श्रम की कीमत दूसरे आदमी के 1 घंटे के श्रम की कीमत में
एग्जैक्टली हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, मेरे कहने में कुछ फर्क हो, लेकिन इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क होने की आवश्यकता नहीं है। वो आदमी खुद जो ले रहा है वो खुद कहता है कि मेरे श्रम की इतनी अधिक कीमत होने की जरूरत नहीं, ज्यादा है, शोषण है। सर एक जो ये सबके बीच में जो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसमें एक आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो क्या मतलब अपने को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है? स्ट्रगल में जो हमारे सामने आएगा उसको हम हटाते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहां पर तो वो बात आएगी ही। आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? नहीं, बच्चों के साथ नहीं, माने किसी के लिए। मैं कोई तो आपके बच्चों के साथ भी करेगा फिर। हाँ बिल्कुल, यही चीज। तो क्या चाहते हैं ऐसा हो? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या ना हो। नहीं, अब जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपका आंसर निहित है। प्रमुख चीज जो है इसमें मनुष्य में और पशु में चैतन्यता का फर्क है, इसलिए वो लॉ ऑफ नेचर के दृष्टिकोण से हम नहीं चल सकते हैं। और लॉ ऑफ नेचर भी वैसा है नहीं जैसा आप कह रहे हैं, ये भी उसका मिस इंटरप्रिटेशन है। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे, जैसे आप ही सब लोगों ने कहा प्रकृति में संबंध है, सभी इकाइयां परस्पर आश्रित हैं और सभी इकाइयां उस आचरण के साथ हैं, जैसे पूरी प्रकृति में विकास कैसे है? नहीं, जैसे प्रकृति में जो बात स्थापित है, जैसे प्रकृति में संघर्ष नहीं है, है हम बता रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ लगे हुए उसके नीचे में आप कोई दूसरा पेड़ लगाए वो नहीं उगेगा, इसलिए कि उसको उसके नीचे में ना प्रकाश मिलेगा और ना ही उस प्रकार के उसको खाद्य मिलेगा, इसलिए छोटा नहीं पनपेगा वहां पर। तो यदि स्थापित है प्रकृति में वो है तो इसमें कोई संघर्ष की बात नहीं है जी, है ना? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अपने एग्जिस्टेंस को स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति संघर्ष न करे, और संघर्ष में तो आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे करेगा ही। चलो चलो, हम तनाव चाहते हैं क्या? नहीं, आना बोलते हैं ये फटाफट। हम तनाव चाहते हैं क्या? संघर्ष में तनाव है, तनाव आप संघर्ष नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं आप मुझको ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मान लीजिए एक कोई चीज रखी हुई है, दो उसके माने दो पाने वाले हैं, तो क्या मैं इसलिए छोड़ दूं कि ठीक है आप पालो? नहीं छोड़, आपको भी चाहिए उसको भी चाहिए, तो कैसे मिले इसको? नहीं, यही मैंने आपसे मैं उसी में सोल्यूशन चाहता हूँ। पीछे किए बिना हम उसको कैसे लाभ दे सकते हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। करें आपकी बात, आपका क्वेश्चन कहाँ पे मालूम, इसको ठीक कैसे करें? ये सर क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पे, धन की बात जो है शिक्षा से, अभी आपने उदाहरण दिया आईटी में जो लोग हैं वो काफी कमा रहे हैं, एक ही लेवल के शिक्षित दो व्यक्ति हैं और एक का डिमांड ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा कमाएगा और उसके हिसाब से समृद्धि बढ़ेगी, स्टेटस भी बढ़ेगा, तो दूसरा जो दूसरे ब्रांच का व्यक्ति है जिसकी डिमांड नहीं है, समान शिक्षित होते हुए कहीं न कहीं वो अपने आप में कुंठित होगा। बढ़िया हो गया, तो हम होना तो नहीं चाहते हैं। नहीं, लेकिन परिस्थितियां तो परिस्थिति करेंगी, तो मेरी स्थिति क्या हो, परिस्थिति क्या हो, अब आप क्वेश्चन चला गया कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा भी चला गया। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि एक बार लोकेट कर रहे हैं कि मामला है कहां पे, अभी इतना कोशिश कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन पे और आगे बात करें। हाँ जी, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? एक दूसरा, अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, इंजीनियर हो गया तो समझदार हो गया, डॉक्टर हो गया तो समझदार हो गया, और किसी और बड़े पद पे चला गया तो समझदार हो गया, क्या निकला? ऐसा नहीं है। यदि ये मैक्सिमम इसको सम्मान दें तो ये हुनर है, जैसे मैनेजमेंट क्या है, हुनर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हुनर है, समझ क्या है, मानव और मानव का मानव के साथ में, प्रकृति के साथ में तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता समझ है। अभी फिलहाल हम मानव और मानव के साथ में तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता के साथ हैं या चाहत के साथ? चाहत के साथ, चाहत के साथ हैं, योग्यता नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
इसलिए सारा जो भी ये क्वेश्चन मार्क्स हमको दिखाई देते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी गलती हुई, क्या गलती कि समझ और हुनर, विजडम एंड स्किल, सीखना और समझना, इसको क्या कहते हैं, इसको सीखना जाता है, ये सीखना हो, ये समझना हो, ये विजडम है, ये स्किल है। क्या गलती हुई, हमने हुनर को समझ मान लिया, हुनर को ही समझ मान लिया, और इससे हमने खुद में अहंकार का पोषण किया, दूसरे को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स परोसा। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मैं दूसरों के साथ जीने के लायक नहीं हूं, मैं दूसरों के साथ जीने के लायक नहीं हूं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरे मेरे साथ जीने के लायक नहीं है। दोनों स्थितियों में मेरा क्या हुआ, अकेला अकेला। आदमी जब भी सुख पाता है, आदमी के साथ जी के ही सुख पाता। एक घटना शेयर करता हूं कि किस तरह से ये घटनाओं ने पूरे समाज को तहस नहस किया है। हम लोगों ने जब ये सब सामाजिक काम करने शुरू किए तो वाटरशेड मैनेजमेंट पे बस्तर में काफी काम किया, और हमारा वाटरशेड एक सफल वाटरशेड था, तो उसके वीडियो फिल्म वगैरह बना के कोई सफल काम होता है तो सबको दिखाओ ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और कुछ बेहतर हो। बढ़िया उसकी फिल्म बनाई दूसरे जगह में, सब में 52 इंच के टीवी में ज्यादा अच्छा दिखेगा, छोटे टीवी में कम विजिबल रहता है। जब उसको दूसरी जगह में दिखाया गया और फीडबैक पूछा गया, क्या फीडबैक मिला, क्या फीडबैक मिलेगा, हमको बाद में पता चला कि लोगों का फीडबैक ये था कि हमारे घर में 52 इंच का टीवी नहीं है। क्या वाटरशेड, क्या उसकी टेक्निक्स, क्या उससे फायदा, ये सब गौण है, सेकेंडरी है। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा टीवी मेरे घर में होना चाहिए, और इसके लिए क्या करना है वो बताओ। और नंबर एक से ये मुश्किल लग रहा है, नंबर दो का जुगाड़ कुछ हो सकता है तो उसको बताओ। उस दिन पहली बार समझ में आया कि हम गांव में जाके या किसी प्रशिक्षण में क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं गांव वालों के सामने जब जाता हूं तो मैं कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में जाता हूं, मैं कुछ अपर हैंड हूं, तो मैं जिस तरह के कपड़े पहन के जाता हूं तो मैं सिद्ध करके आता हूं कि तुम्हारे कपड़े बेकार हैं, और ऐसे कपड़े होने से ही विकास होता है। जब मैं वहां जाके धारा प्रवाह हिंदी बोलता हूं तो उनको समझ में आता है कि मेरी भाषा गौण है, दोयम दर्जे की है, हिंदी बोलना ही बेहतर होना है। जब मैं वहां एक गाड़ी में जाता हूं तो उनको समझ में आता है कि हमारी जीवन शैली बेकार है, गाड़ी होने से ही जीवन शैली है। तो आप पॉजिटिव कुछ नहीं दे पाए, जिसके साथ वो सम्मान से जी रहे थे उसको अपमान में बदल के आ गए। ये आपका कंट्रीब्यूशन हुआ। कैसा, गलत कह रहा हूं? एक परिप्रेक्ष्य में ठीक है, परंतु दूसरी बात ये है कि अगर आपने उनके मन को झकझोरा है तो निश्चित तौर पर आप जो करना चाहते हैं, हम शोषण कर रहे थे, वो भी शोषण करने के लिए, वो एक अलग विषय है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ऐसा हो गया, अगर वो दृष्टिकोण है तो पूरी बात ही खत्म हो जाती है सर। लेकिन अगर आप कुछ देने के दृष्टिकोण से गए हैं, उनके मन को झकझोरा, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदे की स्थिति रहेगी। सर अपने से ऊपर का जो जीवन स्तर है वो जब देखेंगे नहीं और ऐसा बनना नहीं चाहेंगे,
ऐसा जीवन स्तर को पाके हम कहां पहुंचे ना बच्चे के साथ ठीक से। सुन लीजिए, देखिए मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं जहां का गांव में एक भी मकान कच्चा नहीं है, लगभग एक चौथाई घरों में गांव में गाड़ियां हैं, टीवी तो लगभग सबके पास है, ठीक, गांव की सारी सड़कें ईंटों की, वहां ईंट इतनी मजबूत होती है कि पक्की सड़क जैसी होती है, और ये और बहुत कुछ, और इतना क्लेश है परिवारों में, और गांव की राजनीति इतनी जबरदस्त है, इतनी गंदी है कि गांव के युवा, वो एक पत्ती आती है उसको रगड़ने से नशा होता है, और जितना कुकर्म हो सकता है सब वहां पर प्लेट हो गया है, और जैसे जैसे ये पैसा बढ़ा है वैसे वैसे से जीवन स्तर बढ़ा है, वैसे वैसे ये और बढ़ा है। तो ये जो पैसा बढ़ने से या जीवन स्तर बढ़ने से, बताइए अपराध शहर में ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है? शहर में ज्यादा है, गांव में भी अपराध मिलेगा तो बहुत छोटे दर्जे का है अभी भी, कहीं कहीं की ऑब्सेशनल बात छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीजों को पैसा, हाँ, तो अब एक बात समझ में आती है कि जिसको हम भौतिक विकास कहते हैं, जिसको हम केवल भौतिक विकास कहते हैं, वो तो अंततः समस्याओं में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इस तरह से जब हम एक विंडो में देखते हैं तो हमको लगता है कि भौतिक आवश्यकताएं बढ़नी ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो भौतिक स्थितियां बेहतर हों, इसके साथ साथ मानवीय स्थितियां भी बेहतर हों, तो जो इसमें मैं बात कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान शिक्षा में हमने समझ के नाम पे हुनर को पहचाना, मैक्सिमम क्या बोल रहे हैं, शिक्षा रोजगार उन्मुखी हो, तो शिक्षा रोजगार उन्मुखी हो, और जिनके पास रोजगार शहर वाला है, जो ज्यादा पैसा जिस रोजगार से कमा पाते हैं वो बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। तो ये ओवरऑल स्थितियां एक हमारा जो फैलाव है उससे बन रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो हुनर और समझ दो अलग अलग चीजें हैं, इनको हम बहुत क्लियरली नहीं पहचान पा रहे हैं। समझना और सीखना दो अलग अलग चीजें हैं, इनको हम बहुत क्लियरली शिक्षा में नहीं पहचान पा रहे हैं। सारा कंटेंट हमारा किस पे फोकस है, मैक्सिमम हुनर पे फोकस है, वो IIT हो IIM हो, और बाकी उसके प्रबंधन में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ जी, कहां पहुंचे, क्या चर्चा किया हमने, वर्तमान शिक्षा निर्माण का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां चले अब, क्यों हो रहा है, सारा प्रॉब्लम कितना है, धरती पे कुल चार अवस्थाएं, चार अवस्थाओं में से मानव को छोड़कर बाकी सब व्यवस्था में है, परस्पर तालमेल में है, मानव अव्यवस्थित है ये समझ में आया, और उसमें सारा प्रॉब्लम किस बात का निकला, समझ की कमी, और ये समझ की कमी कहां से उपलब्ध हो रही है, मूल स्रोत शिक्षा है। यदि समझ में कोई कमी भी है समाज में तो हम उसको शिक्षा के माध्यम से ठीक करने की बात करते हैं। तो शिक्षा में किस तरह से कुछ चीजें आ रही हैं, देखिए कुछ चीजें समाज में पहले से थी, जैसे ये नीचे वाली फिगर को, जैसे वर्तमान शिक्षा की आयु कितनी है, जिस शिक्षा को हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं इसकी आयु कितनी है, है? नहीं नहीं, कितने सालों से शिक्षा हम चला रहे हैं, लगभग 150 बोलते हैं, कितना बोलते हैं, है? है? लगभग 150 साल। तो आज हम इस शिक्षा के बारे में जो भी कहें, लेकिन उसके पहले भी ये समस्याएं थी समाज में, आपस में तालमेल ना होने की समस्याएं पहले से भी थी, धन का पहले से भी समाज में सम्मान रहा है, या बाकी चीजें समाज में पहले से प्रॉब्लम रही है, लेकिन कुछ चीजों को इस एजुकेशन ने ठप्पा लगा दिया। जैसे गांव में हमने खूब देखा कोई सिगरेट पी रहा है और गांव का बुजुर्ग सामने आ गया या टीचर सामने आ गया अपना, तो टीचर के सामने नहीं पिएगा, फेंक देता था। तो कुछ चीजें भाई, ये चीजें सामाजिक नहीं है, या कुछ चीजें जो कि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है हम करते हो, लेकिन सामाजिक रूप में हमारी स्वीकृति है कि ये ठीक नहीं, बाप के सामने बैठ के मेरे को नहीं पीना। तो शिक्षा ने जिस तरह से कुछ काम किया
उसमें किस तरह से अब उसका प्रभाव, तो अब क्या हो गया, अब वो तो स्टाइल है, अब इसमें वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो गलती भी हो और मुझको गलती का एहसास भी ना हो, फिर कैसा हो गया, चोरी और सीना चोरी हो गई। उस बेवकूफी को करने में समाज में सम्मान होने लगा। जब बेवकूफियां समाज में सम्मानित होने लगती हैं, हर आदमी सम्मानित होना चाहता है, तो बेवकूफी करने की योग्यता ही आदमी की, तो क्या हो गया, न्यू सेंस वैल्यू। कौन कितनी बड़ी बेवकूफियां कर सकता है, जैसे कॉलेज में किसका सम्मान है, कॉलेज में लड़कों में आपस में किसका सम्मान है, जिसकी गर्लफ्रेंड जितनी ज्यादा हो, ये योग्यता का मापदंड है ना, जो जितने उठपटांग या बाकी सारी चीजें जितना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो यदि कॉलेज लाइफ में बेवकूफियों का सम्मान होगा तो सभी सम्मानित होना चाहेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, उनको आप जांचें। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में एक जो बहुत मेजर स्टेटमेंट है, क्या आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है, किसकी है, मार्शल की परिभाषा से, मार्शल की पक्का, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, कभी कोई हमको रॉबिन्सन की बता देता है, कोई एडम स्मिथ की बता देता है, एडम स्मिथ का, चलो किसकी सूचना सही है, पर ये है बात। हाँ जी, यदि हमको लगता है कि आवश्यकताएं साधन सीमित है, तो हम स्वयं में असुरक्षित, स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, असुरक्षित। यदि मैं स्वयं को असुरक्षित महसूस करता हूं तो असुरक्षावश क्या होगा, होता है भयवश, आदमी क्या करेगा, भयवश संग्रह, संग्रह करने के लिए शोषण करना मेरी आवश्यकता है, नंबर दो मेरी आवश्यकता है, वो किसी भी अव्यवस्था के कारण हो सकती है, तो शोषण करना मेरी आवश्यकता है, और शोषण करने के लिए जिसका शोषण होगा वो चुपचाप रहेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा, विरोध से युद्ध होगा, संघर्ष होगा, और इससे आदमी और अधिक असुरक्षित। कहां पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ये विशेष सर्किल है। लेकिन सर इसमें आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन आवश्यकताओं के कारण ही हम बहुत सारे साधन निर्मित भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 85 में कोई मोबाइल के बारे में सोचता नहीं था, अब अगर मोबाइल को किसी ने साधन के रूप में उपयोग किया है तो उसमें कहीं विरोध और युद्ध की स्थिति नहीं आई, वो तो एक सुविधा जुड़ी। इस संदर्भ में अपन क्या कहेंगे, नहीं अपने संदर्भ वो नहीं ले रहे, आवश्यकता जब असीम कहते हैं उसका मतलब है कि मेरे को जितने मॉडल बाजार में आते हैं सारे मॉडल के कारें चाहिए, जितने कपड़े बाजार में है सारे मेरे को कपड़े चाहिए, हर शहर में मकान चाहिए, और हेलीकॉप्टर भी एक दो हो जाए तो बुरा नहीं है। तो ये जो हम आवश्यकता को इस रूप में, वो तो हम कोई प्रयोजन के रूप में कोई चीज है, कोई उपयोगिता के रूप में कोई चीज है, और होना ही चाहिए, वहां दिक्कत नहीं है। इसमें सर ये आ रहा है उपयोग और उपभोग। हाँ। उपयोग की प्रवृत्ति होना और उपभोग की प्रवृत्ति, आज बाजारवाद में उपभोग की प्रवृत्ति आई है कि हर 3 महीने में मोबाइल सेट चेंज करके जो दूसरा मोबाइल सेट आ जाए, ये उपभोग की जो टेंडेंसी वो है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसमें, यदि ये स्थिति है तो समाज में व्यवस्था को जन्म देगा कि अव्यवस्था को, अव्यवस्था से हम सुखी होंगे दुखी होंगे,
इसको पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? और पढ़ने वाला छात्र सुखी होने के लिए, और क्या पढ़ाता है? दुखी रहना निश्चित है। हाँ जी, ये कैसा अर्थशास्त्र है? ये कैसी मानसिकता देता है? है? लाभ के लिए उन्माद, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र। एक भूत आदमी के सर पे बिठाया। क्या बिठाया? भूत। क्या भूत? पैसा ही सब कुछ है। क्या बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और बेटा बाप के मरने का इंतजार कर रहा है, मरे तो प्रॉपर्टी मिले, और नहीं जल्दी मरता है तो मरने का जुगाड़ बनाया जाए। अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। बढ़िया। एक लाइन, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, ये एक लाइन 700 करोड़ आदमी की कब्र खोदने के लिए पर्याप्त है या और चाहिए कुछ? अभी तो लगता है और चाहिए। और चाहिए। और लीजिए। मनोविज्ञान पढ़िए। क्या सबसे अधिक प्रचलित जो शिक्षा में या हमने जगह दिया उसमें फ्रायड का मनोविज्ञान कहा, हमने कहा कि मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है सेक्स। मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है, उस जो भी कुछ करे आदमी, बाकी सब पैकिंग है, उसकी जो मूल प्रेरणा है वो इंद्रियों से जनित है, ऐसा हम पढ़ाते हैं। ऐसा उसका निष्कर्ष, ऐसा क्या लगता है? ये ठीक है? सारा एडवर्टाइजमेंट, फिल्म कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश भी करता है। हाँ जी, क्या मान ले आदमी इतना ही होता है? ये एक सोचने की बात है कि कम से कम भारत में तो पतंजलि योग सूत्र जैसा एक गहरा मनोविज्ञान, लेकिन हमारे एकेडमिक्स में वो शामिल नहीं है। हमारे एकेडमिक्स में हम फ्रायड को ही पढ़ाएंगे। कम से कम भारत एक ऐसा देश है जहां कम से कम मन पे बहुत काम हुआ और सिंसियर काम हुआ, उसको कहीं हमने अपनी शिक्षा में जगह नहीं दी। क्या करें? मान लें कि यदि आदमी कुल इतना ही होता है तो क्या एक बहन भाई पे विश्वास कर पाएगी? एक बेटी बाप पे विश्वास कर पाएगी? ऐसे सोच के साथ में, हाँ, ऐसी सोच के साथ समाज में व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी? है ना? तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। एक एक आदमी की सोच का यदि हमको स्वीकृत हो गया, देखो कोई ये ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो कि बहुत अजीब सी है, आप कुल कल्पना कर लीजिए कि शादी करते समय युवाओं की शादी के प्रति सोच कितनी होती है, कितनी होती है? इतनी होती है बस, बाकी सब बोलने भाषा है। हाँ, शादी होते हैं, बच्चे हो ही जाते हैं, बच्चे हो गए तो एक उनका अपनापन हो ही गया, उनको पालना पोसना हो ही गया, पर मोटे रूप में जो जनरल एक सोच है वो इतना ही है, ऐसा भी हमको दिखाई देता है। पर यदि इतना ही आदमी होता है, ये इतनी सोच हमारी कैसे बन गई? क्योंकि समाज में हमको इतना ही सोच दिखाई देता है,
लेकिन यदि मान लें कि आदमी इतना ही होता है तो क्या हमारे जीने की कोई विश्वास के साथ में जीने की कोई जगह बनेगी? है ना? मैं जब भी ये घटना आती है तभी मेरे को घटना जो घटी हुई याद आ जाती है और किस तरह से एक घटना आदमी की पूरी जिंदगी को हिला सकती है, किस तरह से मन में बैठी हुई एक मान्यता आदमी को संचालित करती है, छोटी सी मान्यता कैसे पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है, तो कितना बड़ा खेल है हमारे मन में बैठी हुई मान्यताओं का हमारे ऊपर। मैं सामान्यतः जब ये मुद्दा आता है तो मेरे को घटना याद आ जाती है, तो हमारे बीच का ही एक फैमिली रहा, उसमें एक 16 साल की लड़की, उसके ब्रदर और पेरेंट्स उसको छूने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाती है, मार धाड़ पे उतारू हो जाती है। और उसके ही दूसरे फैमिली में, बाजू वाली फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली है, वहां जाके वो कोई मिसबिहेव नहीं करती है, बढ़िया बाइबल पढ़ती है। क्या हो सकता है? सुरक्षा का खतरा। उस लड़की के भाई और पिता दोनों ही बढ़िया लोग हैं, उस तरह का कोई खतरा नहीं है, माने वो लोग बढ़िया है, वहां कोई गुंजाइश नहीं। अवधारणा जो उस बच्ची को दी गई हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके कारण हो सकता है कि उसके मन में ऐसा भाव आया हो। क्या अवधारणा? वो तो परिवार ही बता सकता है कि क्या अवधारणा थी। वो हम लोग के साथ तो शेयर नहीं की या उन लोग के साथ तो शेयर नहीं की, तो जब कोई केस अपने को नहीं समझ में आता है ना तो अपन रहस्य में चले जाते हैं, तो फिर अंदाजा लगाने लगते हैं पूर्व जन्म में कोई रिश्ता होगा इस परिवार से, इस तरह की बातें मन में आती है। उसने जो साइकेट्रिस्ट से शेयर किया वो बहुत गजब का था और आप सारे लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो उसने शेयर किया, कहीं से उसके मन में ये बैठ गया कि पुरुष के छूने से कंसीव हो जाते, बहुत बढ़िया, पुरुष के छूने से गर्भधारण हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि किसी के मन में ऐसा बैठ गया हो, आखिर उसका भाई एक मेल तो है, उसका पिता एक मेल तो है, और उसके मन में यह अवधारणा बैठी हो, कैसा वो रात दिन बेचारी जीती होगी, कैसी उसकी जिंदगी हो गई होगी। फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों सोच लिया होगा, ऐसी उटपटांग बातें कहां से आ जाती हैं। महाभारत का बिना कोई नेगेटिव, उस तरह से नेगेटिव कहे बिना, पर महाभारत में हम सुनते हैं देखने से भी कंसीव हो जाते थे, अब छूने से तो और बड़ी बात है ही है, तो मैं नहीं जानता, मेरी कल्पना मात्र है। मैं सोचने लगा कि ये कल्पना कहां से आ गई होगी, क्यों आ गई होगी, तो मैं कहता हूं कि एक एक मान्यता हमारी जिंदगी को किस तरह से चलाती है और किस तरह से हमारी पूरी जिंदगी की ऊर्जा और हमारे पास आसपास का वातावरण उससे प्रभावित होता है, इसे एक घटना में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इस समाज में हमको बताया गया है, चाहे किताबों ने बताया या बताया, सारा सुख यही, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने है। आप ये जो दृष्टिकोण रख रहे हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण रख रहे हैं, हाँ, फ्रायड का है ना, भारतीय दृष्टिकोण इससे एकदम डिफर करता है। दृष्टिकोण आपने पढ़ाया कहाँ? वो एक अलग विषय है, वही तो विषय है यहाँ, ये जो दृष्टिकोण है पाश्चात्य दृष्टिकोण, इसी को तो पढ़ा रहे हैं, इसी को पूरा मीडिया तय कर रहा है, इसी को पूरा फिल्में तय कर रही है। हम हमारे दृष्टिकोण के साथ बात कहाँ कर पा रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण के साथ जब आदमी के हाथ पैर टूट जाते हैं 50-60 का हो जाता है तब उसको किसी धर्म की याद आती है, तब उसको लगता है किसी गुरु बनाना चाहिए, जब तक हाथ पैर में दम है तब तक तो यही चलता है। तो जो 20 साल में हम उसको जो देना चाहिए था, जो उसको जीने का धरातल उपलब्ध होना चाहिए था, वहां तो हम कुछ नहीं दे पा रहे 20 साल। ये मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, एक भूत और आदमी के सर पे बिठाया, क्या कामोन्मादी मनोविज्ञान, क्या मतलब? उन्माद समझते हैं ना, ये शब्द आपके लिए भारी तो नहीं पड़ रहे,
उन्माद मतलब पागलपन, काम का उन्माद है ना, काम के लिए उन्माद, लाभ के लिए उन्माद, लाभ के लिए पागलपन। एक भूत और, है और क्या, ये सारे क्वेश्चन मार्क इन्हीं भूतों ने पैदा किए हैं। हाँ जी, इतना काफी, और चाहिए, एक और ले लो। पहले भूत देख ले, पहचान ले, फिर उतारने काम करेंगे, तभी उपचार होगा। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में क्या प्रचलित है, समाज में क्या प्रचलित है, तो डार्विन का थ्योरी इंपोर्ट किए, क्या बलशाली जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कमजोर चीज खत्म हो जाती है, ताकतवर एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, इसकी लाठी उसकी, हाँ ये ज्ञान सबके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस तो सबको चाहिए, और वो भी कैसी, मोटी तगड़ी, तो लाठी का साइज कैसा हो, मजबूत चाहिए। लाठी का मतलब डबल एम, मनी पावर, मसल पावर, आर्म्स पावर, तीन चीज मजबूत होने से भैंस मजबूत रहती है। बढ़िया, आप लोग बहुत उदास हो गए। ऐसी बात नहीं ना, उदास नहीं, एकदम चिंतित होते जा रहे हैं, चिंतित होते बहुत बढ़ते यार। मनी पावर, मसल पावर, आर्म्स पावर, तो ये हथियार चलाना तो हमेशा आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो मनी पर्याप्त है और मसल पर्याप्त है, अब क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा, क्या दुरुपयोग करेगा, है यही करेगा, चुनाव लड़के नेता बनेगा, ये सब करेगा, है ना। तो कुल मिला के कैसी मानसिकता देता है ये, भोगोन्मादी समाजशास्त्र मानसिकता। एक भूत और, है तीन पर्याप्त, पहले शिविर में तीन पर्याप्त, तीन पर्याप्त। अब आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, धरती की किसी भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए युवाओं का सर्वेक्षण करें, उनके जीने की फिलॉसफी पता करने की कोशिश करें, तो क्या मिलने वाला है, पैसा ही सब कुछ है, सेक्स में ही सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली है। क्या लगता है, कितने प्रतिशत लोग ऐसा मानते होंगे, मोटे तौर पर सभी लोग, पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में ही सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली है, यही सफलता है, यही सम्मान है, यही पहचान है, यही उपलब्धि है। बढ़िया, इस मानसिकता से संपन्न यदि एक इंजीनियर है, डॉक्टर है,
ये समाज के लिए उपलब्धि होगा या समाज पे बोझ होगा? है धरती के बोझ हो। अब चाहे ये आईएएस होगा है, आगे तो पढ़ा दीजिए शिक्षक तक ले आएंगे तो फिर बोझ की स्थिति में नहीं, इनको बढ़ाते बढ़ाते ताकि यहां तक उत्साह बढ़ता है। और महाबोझ कौन है? महाबोध शिक्षक, क्योंकि वो सारा इंजीनियर डॉक्टर को बनाता है। तो शिक्षक जो है महाबोझ है। है? मैंने पहले भी कहा था इस मानसिकता के साथ मानसिकता, ओके। और 99.9 यही है। धीरे धीरे एक एक स्टेप। जो अच्छे हैं वो कैसे हैं मालूम है? वो इसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं, तो या तो इसका विरोध करते हैं या तटस्थ रहते हैं। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत लीजिए आप, बहुत लोग लेने के लिए आप काम नहीं कर सकते, साइड हटो, उनको लूप लाइन में डालो। ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करते। हाँ, और क्यों पसंद करना चाहिए? काम के लोग नहीं, काम का आदमी बनना, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो क्या समझ में आया? है सोचने का, सीरियस बात, सीरियस अफेयर है। सर एक प्रश्न है इसमें। ये हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, जैसे अभी के युवाओं के संदर्भ में कह रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी युवा रहे होंगे जिस भी काल में, लगभग ये मानसिकता रही। बिल्कुल ठीक, ये अभी के लिए रही। भाई मैं कह रहा हूँ बेसिकली सॉफ्टवेयर यही अवेलेबल है, तो मार्केट में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हम सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। देखिए एक बात यहाँ बहुत स्पष्ट रहे कि अपन न्यूनतम में जीने की बात नहीं कर रहे, समृद्धि पूर्वक जीने की बात कर रहे है ना। तो जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए कि जितना पैर उतनी बड़ी चादर लानी चाहिए। हाथी गरीबी से नहीं जीता है, शाकाहारी है, ये छोटी सी आवश्यकता, हम क्यों गरीबी से जिएंगे? प्रकृति में पर्याप्त है, कमी नहीं है। लेकिन तो हम समृद्धि से जीने की बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे। शरीर की आवश्यकताओं को, चाहे वो सेक्स की आवश्यकता क्यों ना हो, उसको दबाने की बात नहीं हो रही है, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करने की बात हो रही है, उसको प्रॉपरली उसको ठीक से अटेंड करने की बात हो रही है। लेकिन उसके आधार पे हम अव्यवस्था फैलाएंगे, कोई हमारे घर में फैलाएगा? वायरस नहीं आना चाहिए। हाँ, वायरस नहीं, व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, उसको पहचानेंगे। तो आपके आपके प्रश्न जा रहे हैं कि कैसे ठीक होगा। अब ये देखिए ये थ्योरी है या ऐसा घट रहा है? ऐसा घट रहा है। और ये दूसरे के परिवार में घट रहा है कि अपने घर में घट रहा है? किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है। मेरे ही बच्चे कल को ऐसा नहीं करेंगे, या मैं ही चोरी छुपे ऐसा नहीं करता हूं जो मैं करना नहीं चाहता हूं, है ना। आदमी गलती करना नहीं चाहता है, उसका कोई भीतर का दबाव, कोई बाहर का दबाव हमको किसी गलती करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी मैं गलती करता हूं मैं दुखी होता हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता। तो कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, एक बात। लेकिन अब यह समझ में आता है, जितने ही हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जितना हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जितना हम शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, ये कहां पहुंच रहे हैं? है ना। तो ये 20 साल की शिक्षा और 101 चैनल, ये 20 साल की शिक्षा और 101 टीवी चैनल, तो तीन भूतों के लिए सारी थ्योरी, सारा ज्ञान, और उन तीन भूतों का पोषण करने के लिए पूरी विंडो। अब कोई संस्कार काम करने वाला नहीं है, संस्कार चैनल सब चैनल फेल हैं इसके साथ, क्योंकि बेस बिगड़ गया है। यदि वो 20 साल में कुछ सार्थक दिया होता तो वो तय कर सकता था कि क्या देखूं क्या नहीं देखूं, क्या मेरे लिए उपयोगी है क्या नहीं उपयोगी है। क्योंकि हमने तो यही दिया है कि यही जीवन शैली है, अब उसको सामने मिलता है तो उसको लगता है कि यही जीवन शैली है। इसमें एक और सीरियस कंसर्न है, और एक इतना बड़ा कंसर्न है
मैं मेरी जिंदगी को शुरू किया कि यदि मैं एक उपयोगी जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरे को कुछ करके लगना चाहिए कि मैंने कुछ उपयोगी किया, और जिनके लिए मैंने किया उनको भी लगना चाहिए कि कुछ उपयोगी हुआ, और इस तरह से हमारी जिंदगी सार्थक हो। तो कहीं मैंने अपने लिए ग्रामीण विकास को मुद्दा बनाया, गांव हमारे विकसित होंगे और इस देश की आत्मा गांव में रहती है, और वाकई में मेरे को लगता है कि गांव का युवा अभी भी बहुत असुरक्षित कम है शहर के युवा की तुलना में। कैसा लगता है ना? तो जो हमारी बेस था, जो हमारी मजबूती थी, कहीं हम उसको खो रहे हैं। इसमें जो गहरा काम है कि जितना भी जीडीपी बढ़ रहा है, जितनी भी ये विकास दर बढ़ रही है, ये किसकी बढ़ रही है? शहरी क्षेत्र की। ये जो इंडिया शाइनिंग है, ये केवल शहर में थोड़ा बहुत शाइन करता हुआ दिखाई देता है। जो ग्रामीण भारत है, तो एक ग्रामीण एक भारत है, एक इंडिया है। इस एक देश में दो देश है। तो भारत के वहां तक पहुंचने के लिए हमारी कोई चीज कारगर नहीं हो पा रही है। ग्रामीण भारत में कुछ हम हिला डुला सकें, इसके लिए हमारे पास कोई ठोस चीज समझ में नहीं आ रही है। हाँ, शहर में कुछ विकास, कुछ पैसा वैसा आ रहा है, उसको हमको लग रहा है कुछ हो रहा है। और हमारी शिक्षा की स्थिति को देखें, यदि गांव में एक बच्चा प्राइमरी क्लास पास कर लेता है, और हम तो चाहते हैं वो मिडिल भी करे, उसके बाद वो गांव में रहना चाहेगा शहर में आना चाहेगा? उसको अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में धीरे धीरे शर्म आने लगती है, क्योंकि उसकी पैंट शर्ट जैसा उसके माँ बाप के कपड़े नहीं है। शहर में माँ बाप खोजता है। तो ये सारी चीजें, तो यदि गांव का बच्चा, क्योंकि यदि यदि पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में ही सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, तो इसको पूरा करने के लिए शहर ज्यादा अनुकूल है। शहर उन्मादी अर्थशास्त्र, यदि ऐसा भी कहें, माने ये घटना है। जैसे हम यहाँ पे आसपास का गांव का किसी को 1000 रुपए की जॉब दें संस्थान में, और उसको रायपुर में 1000 रुपए की जॉब मिलती हो, तो रायपुर में करने तैयार है, यहाँ करने तैयार नहीं है? क्योंकि अपने गांव में मैं रायपुर में जॉब करता हूं ऐसा बताने से सम्मान है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक इस एजुकेशन को गांव गांव हर युवा तक पहुंचाने से गांव बसेगा उजड़ेगा? हाँ, तो जो बच गए हैं उनको भी पकड़ा जाए साक्षरता के नाम पे। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर आप आज से 30 साल पहले के गांव की बात करें, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अब अगर आप 30 साल पहले और आज की बात करें, तो आज हम लोग जो है, पहले गांव ज्यादा आत्मनिर्भर था बनिस्बत आज की। आज पहले तो मुश्किल से 4 या 5 आइटम ऐसे थे जो हमको शहर से लेने पड़ते थे ग्रामीण क्षेत्र में, अब मैक्सिमम वो स्थिति उल्टी हो गई, पूरे आइटम यहीं से ले रहे हैं। बिल्कुल उल्टी हो गई, सब्जियां भी शहर से गांव जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप धर्म का काम कर रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं? अब इसके हिसाब से नहीं, वास्तव में भी अपराध है। अब गली हाँ, हम लोगों की उदासी का कारण अब आप सबको समझ में आया होगा शायद। हाँ जी प्लीज, बहुत विनम्र निवेदन के साथ, आप अपने जॉब से अपने आप को जोड़ के ना देखें, एक मानव के रूप में अपने आप को देखें, एक पिता के रूप में अपने आप को देखें, तो आप ज्यादा न्याय कर पाएंगे, आप उसको ठीक से देख पाएंगे, नहीं तो घबराहट होने लगेगी। सात दिन के बाद में मुझे लगता कि पापों के बोझ चले हम लोग निकलेंगे, ऐसी स्थिति बताओ। यहाँ पर हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, मतलब हम कितने पानी में हैं, और 7 दिन बाद जब निकलेंगे तो कितना कम कर पाएंगे उसको। नहीं, सॉल्यूशन के साथ निकलेंगे, और ये मुझे लगता है कि एक फायदा होगा, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की शिक्षा को फायदा होगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी रात में सोचिए आप लोग कितने पानी में आज जितना हुआ है, फिर इसको साफ करिए,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आप कल से बैक सीट नहीं लेंगे, आपसे बहुत उम्मीदें। हाँ जी प्लीज। मैं क्या कह रहा था, हाँ, छत्तीसगढ़ का पिछड़ा होना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये शिक्षा, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का पिछड़ा होना मतलब आधुनिक शिक्षा अभी यहां घर घर तक नहीं पहुंची है, यहां का गांव आधुनिक शिक्षा के प्रति अभी भी बहुत सचेत नहीं हुआ है। आप अभी भी उसको कन्विंस करने में लगे हैं और आप उसको ना समझ मानते हैं, वो समझदार है। हाँ, छत्तीसगढ़ का पिछड़ापन छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है, इस अर्थ में कि उसने बेवकूफियों को पूरी तरह से अभी नहीं स्वीकारा है, अभी स्पेस है आपके लिए, कुछ नया करने के लिए स्पेस है। इस बात को यहां जितना आसानी से किया जा सकता है उतना आसानी से यूपी में करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां वो बस गया है तन मन में, पैसा ही सब कुछ है। ऐसे छत्तीसगढ़ में आदमी बेसिकली बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। हाँ, यदि 20 साल यहां नहीं समाधान उपलब्ध हुआ तो यह भी यूपी बिहार होगा, इसमें कोई शंका नहीं, तो है ना सर, अल्टीमेटली गरीबी को उपलब्धि मानना है क्या? नहीं नहीं, उपलब्धि नहीं मानते, गरीबी को उपलब्धि नहीं मानते। देखिए मैं फिर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के पास नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी 154। गुड, उमेश जी का आंकड़ा एकदम ठीक है जो किताबों में लिखा है। तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी 154 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 328। ठीक, छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी का लगभग आधा है, आधे से भी कम हो गए क्या? ठीक, तो एक तो ये समझ में आता है कि अभी सभी समस्याओं की जड़ क्या बताते हैं? पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ में वो सारी समस्याएं हैं जो जनसंख्या की अधिकता के कारण होती है, जबकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या राष्ट्र के एवरेज से भी आधा है। तो एक तो ये समझ में आया कि समस्याएं पॉपुलेशन के कारण नहीं है। दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी शायद 22 या 28,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, और दंतेवाड़ा का शायद 40-50 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो एक तो ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, और आदमी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं है, सरल है, किसी सही चीज को नई चीज को स्वीकारने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए, पूरी धरती के लिए शिक्षा का एक सही मॉडल देने में सक्षम है। कितने साल में? आने वाले 2-3 साल में, लंबी बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, बशर्ते कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग एक बार ठीक से जांच ले, देख ले, और हमको लगता है कि हाँ कोई प्रैक्टिसेबल बात है और हम दम के साथ खड़े हो सकते हैं, इस उम्मीद के साथ ही आपसे शेयरिंग। कैसा लगता है? प्राथमिकताएं कौन कौन सी हो ये तय करते हुए चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं छत्तीसगढ़ को एकदम अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, इसमें जो लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं और अपना बाहर से पाश्चात्य से भी छोड़ छोड़ के आके यहाँ वर्क कर रहे हैं, जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो इसलिए प्राथमिकताएं अगर तय कर लें कि विकास की दिशा ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में क्या होगी तो चीजें की जा सकती है। और स्थायी विकास ग्रामीण विकास ही है।
आईटी का मतलब है सस्ते मजदूर दुनिया के लिए उपलब्ध होना, इतना ही मतलब है। हम दूसरे देशों के लिए सस्ते पहले भारत से कुली जाते थे, ये आईटी प्रोफेशनल भी पढ़े लिखे कुली हैं। यदि थोड़ी सी नग्न भाषा का इस्तेमाल करें तो ऐसा बनता है। ये मेरी भाषा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उनकी भाषा है। तो हम केवल मजदूर बन के अपनी इकोनॉमी को आगे चलाएंगे या हम आत्मनिर्भर बन के अपनी इकोनॉमी को आगे चलाएंगे? तो मैं नहीं कह रहा कि उसको अपन रोकें, लेकिन अपने घर को मजबूत करना। कल को पॉलिसी बदल गई, कल को संसार की परिस्थितियां बदलती हैं, तो जो काम हमको अभी मिल रहा है हो सकता है कल नहीं मिलेगा। तो मेरा घर इतना मजबूत हो तो अपने तो छत्तीसगढ़ में सफल इंजीनियर कौन है जो छत्तीसगढ़ के बाहर जाएगा? जो छत्तीसगढ़ में रह गया वो सफल नहीं है। तो किस तरह से हमारी शिक्षा गांव को बसाने वाली शिक्षा हो कि गांव को उजाड़ने वाली शिक्षा हो? सीधी सी बात है, हमारी शिक्षा गांव को बसाने वाली शिक्षा कैसे हो? एकमात्र धरती पे यदि कोई प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन है ग्रामीण विकास का तो वो केवल शिक्षा का माध्यम है। अरबों रुपया फूंक डालिए, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने 7 साल अपना घर से तन मन धन लगा के इस देश की बड़ी ग्रामीण संस्थाओं के साथ में मिलकर काम किया है, और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं हम कितनी ही ग्रामीण विकास योजनाएं चला लें, ठीक है किन्हीं लोगों की जेब भरेंगी, कुछ थोड़ा बहुत कहीं दिख भी जाएगा, लेकिन कोई सस्टेनेबल मॉडल, कोई स्थायी विकास है ना, ऐसी कोई चीज हम खड़ी कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। केवल और केवल एक जगह है, शिक्षा। यदि शिक्षा से हम वो विश्वास पैदा कर पाते हैं युवा पीढ़ी में कि वो किस तरह से उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करके बेहतर ढंग से जी सकते हैं, ठीक ढंग से जी सकते हैं, तो एक एक गांव खड़ा सोना शुरू होगा, हमारे विद्यालय उसके केंद्र बन सकते हैं, बाकी किसी की पकड़ में नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ अशिक्षित है इसलिए यहाँ संभावनाओं की स्थितियां हैं, अशिक्षित का दृष्टिकोण अपन लोग जो है कागज कलम से लेते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर आप बाजारवाद की भाषा में भी बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है बाजारवाद के दृष्टिकोण से भी काफी रिच रहा है। डिब्बा बंद सब्जियां से लेकर सारी चीजें आज की बात है, यहाँ हमारे साथी लोग बैठे हैं जानते हैं, जब सब्जियां नहीं रहती तो उससे पहले गर्मी में काटकर सुखाकर जब सब्जियां की आवश्यकता रहती उसमें बनाए जाने से लेकर सारी चीजें हमारे रही हैं, बाकायदा चीजों को जो है भंडारण भी जो है सुरक्षित ढंग से भंडारण ग्रामीण क्षेत्र में होता था। तो और एक विषय से हटके ही भले ही लोगों को बातें लगे परंतु हमारे यहाँ जब भी महिलाएं बात करना शुरू करती ग्रामीण महिलाएं तो का साग रांधे से शुरू करती हैं, क्या सब्जी आज तुमने बनाई है करके, ये उस चूल्हे से चूल्हे का जुड़ाव, संस्कृति के संस्कृति जुड़ाव, प्लस उसके घर की स्थिति क्या है, तो शेयर करने वाली जो बात है, तो एक मजबूत जोड़ की जो स्थितियां थी अर्थव्यवस्था के साथ में वो चीजें रही हैं। तो अपनी परंपराओं को शिक्षा में जोड़ते हुए अगर किया जाएगा पुनः उन जड़ों की ओर आएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो शिक्षा मुझको मेरे माँ बाप के प्रति सम्मान पैदा करे या हीनता पैदा करे, शिक्षा मेरी भाषा मेरी परंपराओं के प्रति सम्मान पैदा करे या अपमान पैदा करे, है ना? तो अभी वर्तमान शिक्षा जिस तरह से हम गांव के बच्चों को टाई बेल्ट पहना के स्कूल बुलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे अब वो मिट्टी को तो हाथ नहीं लगाएंगे। कुछ और मान्यताएं हैं जो प्रचलित हैं और कैसे उनका, देखिए हर परिवार में या पूरी धरती पर यदि समस्याओं का कुल जड़ देखें तो क्या समझ में आता है कि अब रूटीन में हम मानते हैं कि समझ कैसी होती है, समझ सबकी अपनी अपनी। यदि समझ सबकी अपनी अपनी है तो क्या साथ में जीना बनेगा? जो बात मेरे को ठीक लगती है आपको ठीक नहीं लगती, तो यदि हम समझ को अपनी अपनी कहेंगे तो एक मान्यता समझ सबकी अपनी अपनी, जिसको हम बोलते हैं हम कैसा जीना चाहते हैं उत्सव पूर्वक, तो हम ये जांचें कि कितनी सारी मान्यताएं हैं जिनको हम बोलते हैं और वो हमारे उत्सव पूर्वक जीने में बाधा है, फिर भी हम उनको मानते हैं और बोलते हैं, है ना? समझ सबकी अपनी अपनी।
और क्या हो सकता है? एक मान्यता है क्या, जीवन एक संघर्ष है जबकि आप उत्सव चाहते हो। फिर आप कहते हैं सुख दुख साथ साथ है जबकि हम केवल सुख चाहते हैं। और क्या हम कहते हैं, संसार माया है जबकि हम सब कुछ समझना चाहते हैं। हम तो सब कुछ समझना चाहते हैं। माया मैंने जो समझ में नहीं आया, जो जैसा दिखता, हाँ ये क्या है इसी को समझना चाहते हैं। फिर और क्या बोलते हैं, ऐसी और मान्यता है कुछ, है क्या, जीवन पानी का सार है। हाँ, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला है। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है। शरीर नश्वर है, और मानव अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ माने कम ज्ञान है, कम ज्ञान है, माने मानव सब कुछ समझ नहीं सकता है जबकि मानव तो अपने जीने के लिए सब कुछ समझना चाहता है। तो ऐसी मान्यताएं होंगी, है ना, वो तो खैर अलग तरह का है। मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी ऐसी और कुछ मान्यताएं हो, जैसे वो सब कुछ ईश्वर करता है, होनी तो तय है, है? हाँ, ईश्वर सब कुछ करता है, मनुष्य तो माध्यम है। जितना अच्छा किया सब मैंने किया, इतनी गलती हुई वो सब भगवान। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यदि मैं अपने जीने पे यदि उसको लागू करता हूं तो वो लागू होने की जगह में नहीं है, फिर भी हम उसको बोलते हैं, फिर भी हम उसको मानते हैं। तो या तो वो गलत है या मैं गलत हूं। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने की जरूरत, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, पर इनके कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस स्थिति में सही है, उसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखता है, ये तीनों भूत और वो सारे कोट्स? कुछ स्थिति के लिए तो है, मान्यताओं के रहते तो ऐसे भूत आ ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी अच्छी मान्यताएं हैं कि जिसके कारण ये भूत नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि ये भूत भौतिकवादी है, और ये जो मान्यताएं हैं ये मनुष्य के जीवन को ही क्षण भंगुर कह रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि यदि पैसा ही सब कुछ है, यदि इंद्रियों में ही सुख है, यदि भोग जीवन शैली है, तो जीवन संघर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, तो ये तीन भूतों के कारण तो जीवन संघर्ष बनाई हुआ है। तो इनके कारण, इस तरह की मान्यताओं के कारण, है ना, कुछ इस तरह की घटना है हमको। तो यदि हमको ये पैसा चाहिए, इंद्रियों का अपना होने का मतलब है, सुविधा हमारी आवश्यकता है, लेकिन यदि हम उसका सही अर्थों में नहीं देख पाते हैं तो नेचुरल है कि हमको वास्तविकता समझ में नहीं आई है, हमने कुछ अपने अपने ढंग से कुछ मान लिया है, है ना। सुख दुख साथ साथ है, क्या सुविधा मिली तो सुख, नहीं मिली तो दुख। तो ये दुख, जो सुख दुख की मान्यता है वो उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं है,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये वाक्य आता है सामान्यतः, संसार माया है, सुख दुख साथ है, पानी बुलबुल, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आता है, इसलिए इसको इस ढंग से कोरिलेट करना उचित मेरे दृष्टिकोण से नहीं होगा। तो कुछ तो कोरिलेट नहीं होती है। हाँ, कुछ चीजें कोरिलेट नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं। हाँ। जैसे कौन कौन सी होती है? जीवन एक संघर्ष है, ये होता है, सुख दुख साथ साथ है, ये इससे भी होता है, उससे भी होता है, क्योंकि सामान्य आदमी का सुख दुख तो यहीं पे है, ये मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। वो जिस संदर्भ में बोली गई होगी, लेकिन वो तो इसको यहीं यूज करता है। तो मैं सिर्फ ये सारा कह के मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी समझ में वो जो मान्यताएं हमने अभी 7-8 कोट की हुई है, 7-8 से और भी कई ज्यादा है, लेकिन इन मान्यताओं को पहले मेरी समझ से इसलिए रखा गया था कि मानव की क्रियाएं जो है वो नियंत्रित रहेंगी, वो सच्चरित्र रहेगा और वो समाज के हित में काम करेगा, अपने और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करेगा, परंतु आगे जाकर के ये संघर्ष में जीवन आया। अभी तक हमें जो बताया गया है वही सत्य है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मैं जो कह रहा हूं आपके सामने, आप मानव में चीजों को मौलिक रूप से समझने की क्षमता है, उस क्षमता का हमने प्रयोग नहीं किया है, और ये शिक्षा उन सारी क्षमताओं को बिल्कुल ही बंद करती है, क्योंकि किताब में कुछ लिखा हुआ है उसको एज इट इज रटना है, उसको रट के रिप्रोड्यूस करना है, अपना कुछ भी सोचना नहीं है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और मार्क्स ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आदमी की सोचने की क्षमता को, समझने की क्षमता को शिक्षा स्पेस कम देती है, भौतिक चीजों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, और मानव को मानव संसाधन के रूप में पहचानना, एक साधन के रूप में पहचानना, साधन के रूप में उसको विकसित करने की तरफ हमारा पूरा शिक्षा का फोकस है। मानव के रूप में हम खुद को पहचान सकें, मानव के रूप में हम जी सकें, पा सकें अपने आप को, ऐसा हमारा फोकस नहीं है। तो इन चीजों के बारे में हमने सोचना भी बंद कर दिया है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, जो लिखा है ठीक ही होगा, वगैरह वगैरह। तो अब आपसे केवल ये अनुरोध है, ये इसलिए आपके सामने लिखा गया है कि जो शास्त्रों में लिखा है वो भी किसी मानव ने ही लिखा है। उस परिस्थिति में वो सही हो सकती थी, उसको कसौटी में करने की आवश्यकता। हाँ, उसको दोबारा जांचने की आवश्यकता है, हो सकता है संदर्भ अलग हो। क्योंकि शब्दों का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, जब वो किसी संदर्भ में इस्तेमाल होता है तब उसका कोई मीनिंग निकलता है, हो सकता है उसका कोई संदर्भ भिन्न हो, हो सकता है वो बात ही गलत हो, दोनों हो सकता है। तो एक बार पुनर्विचार करना है, सारी चीजों को फिर से जांचना है, खुले दिमाग से देखना है, और हमको क्या देखना है कि आदमी जीना चाहता है, मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना चाहता है, व्यवस्था सही हो ऐसा भी चाहता है, इसकी निरंतरता होने के लिए व्यवस्था होना एक आवश्यकता है, इसको कैसे साकार किया जा सके, इसके लिए क्या कोई विकल्प हो सकता है, उसको हमको जानना है। वो विकल्प धर्म निरपेक्ष हो, वो विकल्प मानव में समानता का आधार प्रस्तुत करता हो, इसको हमको जांचना है, वो लॉजिकल हो, यूनिवर्सल हो, इसको हमको जांचना है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाह रहा था। हाँ। जो आपने कहा कि ये चीजें सापेक्ष हैं, कतई निरपेक्ष नहीं है, यह असुरक्षा भय संग्रह जो इसका जो बाद में जो विशेष सर्किल बताया आपने, ये कई मायने में सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। यहाँ पे जो नकारात्मक संदर्भ में हम लोगों ने लिया है, दरअसल किसी भी स्तर पे जो आगे बढ़ने का क्रम होता है, चाहे वो एक किसान खेती करता हो या शिक्षक नौकरी करना हो या कोई आईएएस अफसर ही नौकरी करना हो, तो वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं असुरक्षा से होती है, इकोनॉमिक आर्थिक असुरक्षा से। और नौकरी भी करना होता है तो शायद एक जहन में होता है कि नहीं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम इकोनॉमिकली वी आर नॉट सिक्योर्ड, वहां से फिर नेचुरली फिर भय आएगा कि, और फिर संग्रह की प्रवृत्ति आएगी, हम ज्यादा से ज्यादा अर्जन करें। तो सकारात्मक तौर पर लेने पे ये एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। एटम बम जो हमने बनाया, भारत ने जो बनाया, तो कम से कम वो असुरक्षा के भाव से यदि उसको हमने विस्फोट किया तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव्स हैं। और एक बहुत बड़ा वो भी आया कि एक प्रसंग है
शायद कई लोग रिकॉल कर पाए उसको, कर्ण पे आक्रमण हुआ था, कर्ण पे हम नहीं जा रहे हैं रेफरेंस पे उस पे, बट उसका ये जवाब था या हमारा भी जवाब हो सकता है कि मैं डर इसलिए रहा हूं कि मुझे सचेत होना है, और सचेत होने के लिए, सावधान होने के लिए डर बहुत आवश्यक है, भय होना बहुत आवश्यक है। यदि भय नहीं होगा तो हम अलर्ट भी नहीं होंगे शायद आगे के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें सापेक्ष होने की गुंजाइश काफी है, और बिल्कुल समझ सबकी अपनी अपनी और अपने अपने तरीके से इस चीजों को लिया जा सकता है। और ये जो सेक्स कर जो हम लोगों ने बात किया, तो इसको भी हमारे यहाँ तो सेक्स को बहुत ही सकारात्मक तौर पे लिया गया है, और हम लोगों ने तो खजुराहो और कई मिसाल है हमारे पास, हमने कितना सकारात्मक तौर पे इसको लिया हुआ है, और उससे कहीं पे अभी इसका विकृत स्वरूप हम लोग पा रहे हैं जो मीडिया के द्वारा परोसा जा रहा है। तो इसको हम लोगों को अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको लेने की निश्चित तौर पे आवश्यकता है। बहुत गहरी बात आपने कही है, पर मैं इस पे कमेंट करूं? बिल्कुल, आप में से कोई करेगा? पूरे इसमें परिप्रेक्ष्य में तीन बिंदु में कहना चाहूंगा जो समाधान की ओर ले जाए दृष्टिकोण से। एक तो पहली चीज जो आपने कही थी कि उत्सव पूर्वक जीवन जीने के लिए अनुकूल शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमने जो बाजारवाद के दृष्टिकोण से जो अवधारणाएं बनाई हुई हैं उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा दी जाए जो समृद्धि पूर्वक जीवन जीने की ओर ले जाती है। ये तीन प्रमुख चीजें आज दिन भर का सार मुझे लगता है होनी चाहिए। तो आपकी सबसे पहले तो अभी तक की जो शिक्षा मिली है, मैं एक मिनट, आप आगे बात को ले जाएं, मैं इनकी बात पर कमेंट कर दूं। मैं कहूंगा तो यही कहूंगा कि गालिब खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है। वाकई उसमें बहुत बड़ी बात है महाराज, ऐसे ही हम गोल गोल करते आए हैं। मैं कहूं आप खुजराओं पे जो बनाना है बनाओ, जब उसको घर में करते हो, उस घर में वो फैलने लगता है, तब वो कहते हैं ये ठीक नहीं। मैं दारू पीऊं, बड़े तो ऐसा पीते ही हैं, जिस दिन बच्चा पी के आता है तब हम कहते हैं ये ठीक नहीं। तो हमारे बहुत सारे ना डबल स्टैंडर्ड जैसे चलते। एक मिनट, एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, वो मैं कह रहा हूं सारे संदर्भ आएंगे और खूब गहरे से आएंगे, दुनिया जहान के जितने प्रश्न आप ला सकते हो अपन सबके बैठ के चर्चा करेंगे और खूब गहरी चर्चा करेंगे, एड्स की भी बात करेंगे, सब बात करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। केवल इतना कह रहा हूं कि कहीं हमने हर जगह में आदमी बेसिकली आशावादी है, इसलिए हर जगह में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता है, वहां हो तब ना निकलेगा, निकालो इसमें से क्या पॉजिटिव निकालते। भयवश आदमी संग्रह करेगा ही, तो आदमी पॉजिटिव से आदमी बेहतर जीने, जैसे इन्होंने कहा, जैसे अब मेरे सामने लक्ष्य है कि किस तरह से मैं समृद्धि पूर्वक जीऊं, किस तरह से मैं एक बेहतर समाज को, एक सही समाज में स्थापना हो सके, किस तरह से मैं भय मुक्त हो सकूं इसके लिए शिक्षा हो, कि किस तरह से मैं भय युक्त हो सकूं इसके लिए शिक्षा हो। एग्जैक्टली वही तो असुरक्षा है, तो वही तो महाराज जहां खड़े हैं तो भय मुक्त होने की जरूरत है कि भय को जस्टिफाई करने की जरूरत है, यहां पे है ना आपका साइकिल तो वही चलेगा ना। मैं वो कह रहा हूँ ये साइकिल कब चल रहा है, जब हम इस तरह की, तो मैं कह रहा हूँ ये अर्थशास्त्र गलत है, ये मनोविज्ञान गलत है, ये समाज शास्त्र गलत है। एक सही अर्थशास्त्र को हमको देना होगा, एक सही समाज शास्त्र को देना होगा, सही मानव संसाधन है तो यही निकल के आता है। सर जो कमियों की बात आपने कही, इससे एक से मुक्त होने की जरूरत है। और मेरे साथी झा साहब ने इसे खजुराहो की बात कही, मेरा व्यक्तिगत उसे मानना है विकृत मानसिकता का परिचायक है। आज अगर कोई बच्चा से चित्रकारी करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या, आपका बच्चा घर में करना शुरू करेगा आप उसको मार दो, धापड़ मार दो। नहीं, ये कतई इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और क्या? हम इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि सेक्स हमारे लिए कोई अलाइन सब्जेक्ट नहीं रहा है। सब सेक्स से ही पैदा हुए हैं। यस, ठीक है। और इसको लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ है, उसका एक निश्चित मतलब है। हाँ, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी जीवन शैली है। सेक्स को दूर कैसे करेंगे आप? अब तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एड्स पे आप तो आपसे सारी बात करेंगे कि सेक्स एजुकेशन कैसी है, उसको प्रदर्शित करने का ये आग्रह करूंगा। जो द वेरी स्टेटमेंट ये यहाँ पे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम लोग बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, गांव भी शायद, गांव का जो बच्चा है वो बिगड़ने की, आप बिगड़ने पे उतारू हैं अपने शिक्षा देके, तो ये तो भय ही है ना, असुरक्षा का भाव है। यहाँ से क्रिएट हो रहा है भय कि यही शिक्षा हम देते रहेंगे तो शायद
शायद शायद शायद बाकी लोग भी सही हो जाएंगे। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, स्थितियों का ठीक ठीक आकलन होने की आवश्यकता है कि नहीं। Exactly. तो स्थितियों को हम ठीक ठीक, अभी तो हम क्या मान रहे थे, शिक्षा से समझदारी आती है, अब पता चला शिक्षा से समझदारी नहीं है, मैक्सिमम है तो हुनर है, है ना, और हुनर और समझदारी अलग अलग चीज। अब उसको आप आकलन बोल रहे हैं, वहां पे भय बोल रहे हैं, नहीं वो समझ की फेर है। किसको अभी आप आकलन शब्द आपने प्रयोग किया, वहां पे आपने भय शब्द प्रयोग किया, चूंकि हम उसको स्वरूप ले रहे हैं, दोनों के संदर्भ समझिए। मैं कह रहा हूं कि ये यदि हम इस तरह का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हम स्वयंस्फूर्त विधि से नेचुरली भयग्रस्त होते हैं, लेकिन आज हम एक शिक्षक के रूप में बैठ के, आज हम यहाँ इस हॉल में बैठ के, मैं आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहा हूँ या स्थितियों का ठीक ठीक आकलन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, केवल हम आकलन कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और इस जिम्मेदारी के साथ वो मैं इसलिए आकलन लग रहा है, एक मिनट, वो कर रहा है इसलिए भय लग रहा है, आकलन के बाद ही समाधान निकलेगा। समझ लीजिए आपका आपका दिनेश जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात ठीक है, आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं, आप ये सेंस में, जब आप एक शिक्षक की हैसियत से प्रस्तुत होते हैं और आप कक्षा में अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, तो जिस तरह से नेचुरली वो 52 इंच का टीवी कन्वे होता है, उस तरह से नेचुरली ये भी ऐसी कन्वे होता है। ठीक है, आकलन इज अ प्रोसेस और भय इज अ प्रोडक्ट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आकलन, मैं वहां ये कह रहा हूँ कि तब आप शिक्षक के रूप में इसको सही बोल के पढ़ाते हो, आकलन नहीं कराते हो, ये कह रहा हूँ, आप वहां आकलन कराइए, आप जैसे हम एक बात करें, उसका विश्लेषण आप नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष विश्लेषण भी अगर करेंगे आप समझ नहीं, तो स्थितियां नहीं आएंगी, एज इट इज जो है उसको आप उसको परोस रहे। मैं जैसे कहना चाहूंगा, एक लाइन और, जैसे अब मान लिया हमारे सामने आ गया, अब सिलेबस तो नहीं बदल जाएगा रातों रात, सिलेबस तो यही रहेगा, और आप एक टीचर हैं, आपको समझ में आ गया कि यदि ये ठीक नहीं है, अभी इसको आगे बात करेंगे, अब फिर आप क्या करेंगे, आप इसको भी पढ़ाएंगे, जो सही है उसको भी प्रस्तुत करेंगे, और देख एग्जाम में आएगा तो यही लिख के आना, क्योंकि मार्क्स इसी पे मिलेंगे, अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को भी और आपको भी ये समझ में आ जाए कि आवश्यकताएं, इसको अपन आगे चर्चा करेंगे, इसका सही अर्थशास्त्र क्या होगा, तो सही अर्थशास्त्र क्या होगा, तो लाभोन्वादी अर्थशास्त्र के स्थान पर इसको अपन आगे चर्चा करेंगे, आवर्तनशील अर्थशास्त्र। पूरी प्रकृति में आवर्तनशीलता है, साइक्लिक है और एक दूसरे के लिए एनरिचिंग है, परस्पर पूरक है, तो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कामनवादी मनोविज्ञान के स्थान पर इसकी आगे चर्चा करेंगे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। मानव संचेतना मीन्स मानव समझ, इसकी आगे बात करें, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को देने की आवश्यकता है, और भोगोनवादी समाज शास्त्र के लिए व्यवहारवादी, समाज का आधार भोग हो या समाज का आधार व्यवहार हो, तो व्यवहारवादी समाज शास्त्र को देने की आवश्यकता है। यदि मैं आपके सामने किसी चीज को विश्लेषित करता हूं तो वो इस आशय से करता हूं कि उसके समाधान को प्रस्तुत करने के लिए ये पैड है, तो जो हो रहा है उसका आकलन हो, कैसे ठीक होगा इस पे बात करें। देखिए मेरा बहुत सिंसियरली ये मानना है कि हमारी जिंदगी जॉब नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आप पूछेंगे अपने आप से कि मैंने अपनी जिंदगी कहां लगाई, और तब ये माहौल नहीं होगा, तब ये सबऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, तब ये आप एक अधिकारी नहीं होंगे, और उस दिन आपको अपने आप को जवाब देना होगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया, क्योंकि तब शरीर में उतना दम नहीं होगा, बहुत कुछ आसपास नहीं होगा, आप और आपकी यादें। तो मेरे हर समय ठीक से जीने के लिए मेरी उपयोगिता के साथ में जी पाता हूँ, मीनिंगफुलनेस के साथ में जी पाता हूँ, कुछ ऐसा हो पाता है जिसको देख के मैं भी तृप्त होता हूँ, मेरे वातावरण की वो आवश्यकता है, तो आप फिजिकली चाहे होते हैं नहीं होते हैं, जमाना आपको हमेशा याद करता है, और हम हर समय यदि उन प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशंस के साथ में हैं, तो कभी भी हम बूढ़े नहीं होते हैं, कभी भी हम आउटडेटेड नहीं होते हैं। तो अपने सुंदर वर्तमान के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए, अपने सुंदर बुढ़ापे के लिए हम कुछ ऐसा समझ पाए, कुछ ऐसा कर पाए जो कि हमारी तृप्ति हमारी मुट्ठी में हो, ऐसी एक आवश्यकता हम सबकी है एक मानव के रूप।
तो सबसे पहले हमको इस आवश्यकता की पूर्ति होती हुई दिखाई दे कि हाँ मेरी ये आवश्यकता पूरी हो रही है और इसको हम डिलीवर कर पा रहे हैं। इस अर्थ में हम सारी बातचीत को फोकस पे रखते हैं। जितनी चर्चा हम लोगों ने की है आज, मुख्य रूप से हमने बात की कि आखिर शिक्षा से हमारी अपेक्षा, एक युवा 20 साल शिक्षा में लगाता है, हमने भी आपने भी लगाए हैं, उस शिक्षा से हमारी अपेक्षा क्या है, हम चाहते क्या है, शिक्षा क्यों, उसके उत्तर में हमने कुछ चर्चा की। फिर हमने पाया कि वर्तमान में कैसा घट रहा है, उस बारे में हमने कुछ देखने की कोशिश की और किन सबको समस्याओं को देखने की कोशिश की। रूट कॉज में गए तो पता चला तीन भूत, बाकी कुछ सूचनाएं, कुछ स्किल्स हम दे रहे हैं, और बहुत एक जो परेशान करने वाली स्थिति है कि इन तीन भूतों के साथ ना हम अपने लिए उपयोगी हो पाते हैं, ना हम परिवार और समाज के लिए उपयोगी हो पाते हैं। ठीक है, कुछ सुविधाएं कम है, किसी के पास सुविधाएं ज्यादा है, इतना ही गेम चलता है। और इसके एवज में हमने साथ में कुछ ये कुछ मान्यताएं जो हमको शिक्षा से मिल रही थी और कुछ मान्यताएं जो हमको धर्म और बाकी चीजों से मिलती हैं, तो कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम स्वीकार तो करते हैं या बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा हमको जिंदगी में स्वीकार नहीं है। मेरी जिंदगी में दुख हो ऐसा मुझको स्वीकार नहीं है, मैं तो चीजों को ठीक से समझना चाहता हूं, ठीक से जीना चाहता हूं, जीवन संघर्ष में नहीं चाहता हूं। समझ अपनी अपनी कह देना बिल्कुल अलग बात है, जब परिवार में अपनी अपनी समझ होती है या हमारे वर्किंग प्लेस में, वर्क प्लेस में समझ अपनी अपनी होती है तो हमको बिल्कुल बहुत खराब लगता है, किसी भी तरह से लगता है कि मेरी बात को सामने वाला मान ले, या तो अपनी मुझको समझा दे और मैं कन्विंस हो जाऊं, या मेरी वो मान ले तो कन्विंस हो जाएं, दोनों ही अपनी अपनी पे टिके रहते हैं तो काफी एक, इसी का नाम संघर्ष, ऐसा हम चाहते तो नहीं, और इस तरह की बहुत सारी बातें। हमारी दुनिया में, हमारे बीच में हमारे जीने का धरातल बिल्कुल भिन्न है, और हमारे लिए स्वर्ग हमने बसा लिया, जिसको आज हम सारी अव्यवस्था कहते हैं, इस अव्यवस्था में भी अपने सुंदर साफ सुथरे जीने का ढांचा हमने बना लिया। और आज हम कह रहे हैं कि यदि शिक्षा के ढंग से ये बात हो पाती है तो बिल्कुल रिजल्ट अलग तरह के होंगे, हमारे चेहरे पे खुशी अलग तरह की होगी, हर साल उम्र एक साल घट जाएगी, क्योंकि आपके सोचने का, आपके महसूस करने का आपके चेहरे पे असर पड़ता है। यदि आप हर समय खुश हैं, उत्साहित हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ हैं और कुछ हो पा रहा है तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पे आता है। इसलिए मैं शिविर को नेचुरल ब्यूटी पार्लर भी बोलता हूं, गारंटी बिल्कुल एकदम। 6 दिन जब आप शिविर के पहले आते हैं अपना फोटो खींच लीजिए, 7वें दिन आपका फोटो खींच लीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ज्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं या कुछ ज्यादा मानसिक परेशानियों में हैं, उनका तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तो शायद जिंदा जिले का नाम जिंदगी है, जॉब को ढोने की चीज नहीं है, कोई आपको 10-20 हजार रुपए देके या 1 लाख रुपए देके मेरी जिंदगी तो नहीं खरीद लिया है, पर लेकिन मेरे तो अभी 8 घंटे वहां लगते ही हैं, 10 घंटे वहां लगते ही हैं, और उन 10 घंटे के बाद तो हमारे पास और समय नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल कुछ चीजें, मेरे हॉबी, मेरे शौक या मेरे खुश होने के तरीकों को व्यवहार रूप दे, सोच सकते हैं व्यवहार रूप में देने के लिए तो आपके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी और बाकी सारे काम। तो हमारा जो 8 घंटा 10 घंटा अपनी हमारी जॉब के रूप में लगता है, वो जॉब नहीं, मेरी जॉब मेरी जिंदगी बन जाए तो मुझको मजा आ जाए। यदि जॉब है तो वो ढोना है, यदि वो मेरी जिंदगी है तो मेरे लिए वो एक खुशी है, मेरी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है, तो वो जिंदगी जीने का मजा है। तो इस जॉब को जिंदगी में कैसे बदला जाए, इसके लिए बहुत एक प्रैक्टिसेबल बात हमको ऐसा लगता है, हमने जितना भी प्रयोग पिछले समय में किया है, लगभग ये 115वां शिविर तो मैं ले रहा हूं, और देश भर में IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIIT हैदराबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका है ना, जेल, बहुत जगह में हमने जितनी जगह में प्रयोग करके देखा, हमेशा हम ये पाते हैं कि इनपुट बहुत छोटा है, आउटपुट बहुत बड़ा है। तो एक ऐसी बात की शेयरिंग आपके साथ, मैं ये भी महसूस कर सकता हूं कि आप में से बहुत लोगों का आने का मन नहीं होगा, फिर भी किसी आदेश के कारण, फिर भी किसी विवाह के कारण हम लोग आए हैं, आप जैसे भी आए हैं उसी फीलिंग को शेयर कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये खुला मंच है, इस सभा की कोई मर्यादा नहीं है, खूब खुल के बोलिए, और आप पाएंगे कि हर दिन आपका पहले दिन से बेहतर होगा, हर दिन आपको ज्यादा मजा आएगा, और आखिरी दिन आप में से बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहेंगे, ऐसा भी होता है, हर शिविर में होता है।